से कुछ सुविधा ना सोच के बस ठीक आदत। उन्हें कह दें एक दफा क्योंकि वो फिर वो स्टार्ट हो जाने फिर वो दरमियान में बेचारे रह जाते हैं। इसी तरह तो नहीं चलाना तो बोले चला ले अच्छा थोड़ी देर में चलाने। अच्छा ठीक है चल सही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो बताएं जी एम आई ऑडिबल जी ऑनलाइन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही आवाज़ क्लियर है ठीक हो गया जी शुक्रिया जी ठीक हो गया जी ठीक हो गया जी। ले जी दो स्टूडेंट्स जिनकी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं फॉर देम दिस इज द फर्स्ट क्लास। और वो स्टूडेंट्स जो अभी सिर्फ सोच रहे हैं कि क्रिमिनोलॉजी रखें या ना रखें वेलकम टू योर फर्स्ट क्लास एज वेल। आज हमारी डिस्कशन जो है वो प्राइमरीली रिगार्डिंग द सब्जेक्ट होगी थोड़ी सी क्रिमिनोलॉजी क्या सब्जेक्ट है और इसके अंदर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट आता हूँ सीधा नंबर कैसे लेने हैं राइट क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर बड़ी सिंपल सी बात है। मैं कुछ बातें आपके साथ ब्लंटली रखूंगा आपके सामने आपके लोगों के सामने क्योंकि मुझे ना आदत है थोड़ा सा ब्लंट चीजों को जरा स्टूडेंट के सामने रखने की क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को ना सबस बाग नहीं दिखाने चाहिए ब्लंट बात करनी चाहिए। ब्लंट बात करने का मकसद ये है बड़ा सिंपल सा कि ये मेरी बात को याद रखें आपके पास टोटल अब तकरीबन 3 माह का टाइम है। अगर मैं दिसंबर जनवरी और मैं अज्यूम कर लूं कि पेपर वाकई 29 फरवरी को ही आने हैं तो 3 माह का टाइम है। इस 3 माह के अंदर बड़ी सिंपल सी बातें हैं कि 3 माह के अंदर आपके ये 3 माह मेरा अपना जाती ओपिनियन है कि आपके अगले 30 से 35 साल की जिंदगी को ना डिफाइन करेंगे। इन 3 माह के अंदर अगर थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़े तो मेरा मशवरा ये है कि कर लीजिए ठीक है क्योंकि इन 3 माह के अंदर हो सकता है कि आपको कुछ शादियां भी छोड़नी पड़े छोड़ दीजिएगा कोई मसला नहीं है। जब आप कामयाब हो जाएंगे वो आपको खुद ही मुबारकबाद देने आएंगे तब आप उनको शादी की मुबारकबाद भी दे दीजिएगा ठीक हो गया। तो कहने का मकसद यह है कि बहुत सी चीजें आपको इस 3 माह के अंदर करनी पड़ेंगी। मेरा मशवरा यह है कि इन 3 माह के अंदर थोड़ा सा अपने लिए सोच लें रादर देन थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स एज वेल राइट। अपने आप को प्रायोरिटाइज करें और अपने आप को जब मैं प्रायोरिटाइज करने की बात करता हूं तो अपने आप को प्रायोरिटाइज करें इस डोमेन के अंदर सीएसएस की डोमेन के अंदर जो आपके 3 माह के अंदर। इसके अंदर आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी राइट। और अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो क्रिमिनोलॉजी की तो क्रिमिनोलॉजी के अंदर तो आपको नंबर लेने पड़ेंगे। मैं हमेशा स्टूडेंट्स के सामने ये बात रखता हूं कि अगर आप लोगों ने अपनी डिजायर्ड एलोकेशन लेनी है डिजायर्ड एलोकेशन का मतलब है कि आपके पास पीएएस हो गया पीएसपी हो गया या फॉरेन सर्विस हो गया या कुछ लोग उसकी जगह कस्टम्स भी रख लेते हैं। अगर आपने इन 3 ग्रुप्स में एलोकेशन लेनी है तो आपको रिटर्न का स्कोर 720 के करीब लेना पड़ेगा। अगर आप 720 के करीब स्कोर लेते हैं तो आपकी डिजायर्ड एलोकेशन सिर्फ एलोकेशन नहीं डिजायर्ड एलोकेशन 99.9% आपकी जेब में है। अनलेस एंड अंटिल आप बहुत बड़ा ब्लंडर करें इंटरव्यू के अंदर जाकर इसलिए 720 तक पहुंचना जरूरी है। अब मुझे यह भी पता है कि 720 लिखना बहुत आसान है और अचीव करना मुश्किल है लेकिन मैं थोड़ा सा आसान करता हूं आपके लिए। 12 सब्जेक्ट्स हैं हर सब्जेक्ट में 60 नंबर आएंगे तो 720 आ जाए। अब मुझे ये समझ आ रही है कि मुझे कम से कम 60 नंबर लेंगे और अब हम क्रिमिनोलॉजी की बात मैं करूंगा तो क्रिमिनोलॉजी के अंदर मुझे 60 नंबर मिनिमम 60 नंबर कैसे लेने हैं मैं ज्यादा ही बात करूंगा इसके क्योंकि मुझे यह भी पता है कि इन सर सब्जेक्ट्स में मेरे पास 60 नंबर नहीं आएंगे। तारीख मुझे यह बता रही है कि बहुत अच्छा ऐसे लिख लूंगा तो 50 तक पहुंच जाऊंगा राइट। तारीख यह बता रही है बहुत अच्छा प्रेसी का पेपर करूंगा तो शायद 50 तक पहुंच जाऊंगा तो 10-10 नंबर का मार्जिन तो मेरा वहां से भी बचेगा ना। मैंने 60 लेना था मुझे 10-10 का मार्जिन पूरा नहीं हुआ मेरा वो जो 20 नंबरों का मार्जिन है वो मैं कहां से पूरा करूंगा वो क्रिमिनोलॉजी से पूरा करूंगा। तो यानी कि अब मुझे आपको 60 नंबर की बात नहीं करनी मुझे आपको बताना है कि क्रिमिनोलॉजी में 80 नंबर कैसे आए। समझ आ रही है बात
सीएसएस का ये वाहिद सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी जिसके अंदर आपको 7 नहीं 8 सवाल आए, वाहिद सब्जेक्ट है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में 7 क्वेश्चंस आते हैं और आपने 4 करने होते हैं, क्रिमिनोलॉजी में 8 सवाल आते हैं और आपको 4 करने होते हैं। ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, पूरे का पूरा पोर्शन, हर सेक्शन में से 2 सवाल आते हैं और हर 2 में से आपको 1 सवाल करना होता है। यानी ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें आप कोई सेक्शन छोड़ नहीं सकते, राइट। और ये ऐसा नहीं है कि सर मैं ऐसा करूं कि इस सेक्शन को अगर मैं ना पढ़ूं उसमें से कौन सा सवाल आना है, आएगा सवाल इसमें से, क्योंकि 2 सवाल तो आना ही आना है सेक्शन में से। तो हर सेक्शन में से 2 सवाल है और आपके सिलेबस में हर सेक्शन में 4 सवाल लिखे हुए, यानी हर 4 सवालों में से 2 सवाल तो आने ही आने हैं, हर 4 सवालों में 2 सवाल तो आने ही आने, यानी कि 50% तो आपके पास बाय डिफॉल्ट पता ही है कि इन 50% में से क्वेश्चन तो आने ही आने। तो उन 50% क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन मैंने क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो किसी हद तक अगर मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करूं तो क्रिमिनोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो है ना आप बड़े आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सवाल आपके आने कौन से। क्यों प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं इस वजह से आपके जो पास्ट पेपर्स, आप लोगों के पास ये जरूर होने चाहिए पास्ट पेपर्स। हम लोगों ने थोड़ा सा आपका काम आसान कर दिया है, आपका काम ये आसान कर दिया है हमने कि हमने ना इस तरह डिवीजन की हुई है कि हर सेक्शन के अंदर बताया हुआ है कि हर टॉपिक पे लास्ट सालों में क्या क्या सवाल आया है। यानी सेक्शन 1 के अंदर मैंने कहा था 4 सवाल है सेक्शन 1 में, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 सवाल हर सेक्शन में, 4 सवाल है और हर जो है ना सेक्शन में से आपको पेपर में कितने सवाल आने हैं, 2, और आपने सवाल अटेम्प्ट कितने करने हैं, 1, हर सेक्शन में से 1 सवाल, यानी टोटल कितने सवाल, 4। बात समझ आ गई। अब आपको पता चलेगा कि सिर्फ फॉर एग्जांपल ये अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी का एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ 2016, 17, 18, 20, 22, 23 सिवाय 19 के हर साल इस टॉपिक पे सवाल आए। तो ये मुझे साबित हुआ कि अगर मैं इस टॉपिक को पढ़ लू ना, इसका मतलब 50% तो ये सवाल आना ही आना है। तो इसका मतलब है कि मैं बड़े आराम से अगर इस सवाल को पूरा कर लूं तो एक सवाल मेरा 50% डन। दूसरा है इस पोर्शन में थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, थ्योरीज पे सवाल। 2017 सिवाय 16 के कोई साल ऐसा नहीं गुजरा कि क्रिमिनोलॉजी के अंदर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पे क्वेश्चन ना आया हो। 17, 18, 19 के दोनों सवाल क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से थे। 20 आपके पास 20 के दोनों सवाल क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर। 21, 22, 23 समझ आ गई बात। हर साल आपके पास सवाल आता है क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे। तो यानी कि सेक्शन 1 में से अगर मैं अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यानी थ्योरीज के 2 सवाल पूरे कर लूं तो मेरे सवाल पूरे हो गए, इनमें से 1 सवाल मैंने करना है। क्रिमिनोलॉजी के पेपर को प्रिडिक्ट करना मैं समझता हूं कि सबसे आसान, क्योंकि इसके अंदर ना सिलेबस डिफाइंड है, वो इसी सिलेबस के इर्द गिर्द जो है वो चलता रहता है, घूमता रहता है सारे का सारा। मेरी बात समझ आ रही है, फोकस क्लियर हो रहा है। अब क्रिमिनोलॉजी की जब हम बात करते हैं ना तो बहुत से लोगों की ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, उसकी तरफ भी मैं लेकर चलूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप, आपके जितने क्वेश्चन होंगे उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों में से किसने ऑलरेडी क्रिमिनोलॉजी पढ़ी हुई, आपने पढ़ी हुई, ठीक है, कितनी तैयारी आपको लगता है कि आपकी ऑलरेडी है मास्टर्स क्रिमिनोलॉजी में, सीएसएस के रिलेटेड नहीं पढ़ी हुई, कम पढ़ा। अच्छा, आपने जो अपना सिलेबस देखा है सीएसएस का क्रिमिनोलॉजी के रिलेटेड अभी नहीं देखा, आप एक काम जरूर कीजिएगा, तैयारी करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले ये जरूर देख लीजिएगा कि सीएसएस के अंदर जो क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस है उसमें से कितने परसेंट सिलेबस आपने ऑलरेडी अपने मास्टर्स में किया हुआ है, आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि उसमें तो चलो आपको कहा यार ये तो मुझे आता है, जो नहीं आता मुझे उस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। यानी आप बाय डिफॉल्ट कुछ लोगों से एक हाथ ऑलरेडी आगे, कभी दौड़ देखा है, दौड़ देखी है ना, कुछ लोग कहते हैं यार तू थोड़ा सा आगे होकर दौड़ ले, ठीक है, तो आपको पहली लीड मिली हुई होती है उस, समझ आ गई बात। आप में से किसी ने क्रिमिनोलॉजी पहले पढ़ी, कभी पढ़ी क्रिमिनोलॉजी, आप में से किसी ने पढ़ी क्रिमिनोलॉजी ऑनलाइन, आपने पढ़ी है जी, ऑनलाइन पढ़ी हुई है जी, ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में 57 आए थे, ठीक हो गया, कोई बात नहीं, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, अब उसको ठीक किया जा सकता है, 57 को बेहतर किया जा सकता है, 80 तक लेके जाया जा सकता है। आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई 62, ठीक है, कोई मसला नहीं है, जिन्होंने पढ़ी हुई है उनके लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई उनके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा काम। क्रिमिनोलॉजी ना रखने से रखते जब लोग रखते हैं ना उनको लगता है कि हम ना क्रिमिनोलॉजी के अंदर ना पता क्या पढ़ेंगे, हम क्रिमिनोलॉजी में पढ़ेंगे सीआईडी,
हम क्रिमिनोलॉजी में पढ़ेंगे शर्लुक होम्स, हम क्रिमिनोलॉजी में ना पढ़ेंगे क्राइम पेट्रोल, ठीक है, हम मनी हाइस्ट पढ़ेंगे क्रिमिनोलॉजी के अंदर ना, हम देखेंगे कि अच्छा यार ये ना डकैतों को कैसे पकड़ते हैं, समझ आ रही। तो इसलिए ना बहुत से लोग क्रिमिनोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं कि अच्छा यार बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हाँ ये भी आप पढ़ेंगे, लेकिन क्रिमिनोलॉजी सिर्फ ये नहीं है, मतलब यस इट इज वन पार्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी वेयर यू टॉक अबाउट इन्वेस्टिगेशंस, यू टॉक अबाउट इंटेरोगेशन, यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स, यू टॉक अबाउट थ्रेटिकल परस्पेक्टिव्स, लेकिन क्रिमिनोलॉजी में आप ये भी पढ़ेंगे कि व्हाई पीपल कमिट क्राइम, राइट? आप क्रिमिनोलॉजी में ये भी पढ़ेंगे कि हाउ टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कमिटिंग द क्राइम, आप क्रिमिनोलॉजी में ये भी पढ़ेंगे कि व्हेन द पीपल हैव कमिटेड द क्राइम नाउ व्हाट इज द अरेस्ट प्रोसीजर, व्हाट इज द इंटेरोगेशन प्रोसीजर, ये इंटेरोगेशन में और इंटरव्यू में क्या फर्क होता है। हमें तो लगता है कि इंटेरोगेशन की एक ही टेक्निक है, और वो आपको पता है कि इंटेरोगेशन की टेक्निक पुलिस वालों की क्या होती है, लेकिन दुनिया के अंदर बहुत से तरीके हैं इंटेरोगेशन के, तो आपको कुछ डिफरेंट तरीके भी पता चलेंगे इंटेरोगेशन के। और अगर आप सीएसएस करके पुलिस के अंदर एलोकेट होते हैं तो क्रिमिनोलॉजी आपको वहां पर भी पढ़नी पड़ेगी, तो बेहतर नहीं है क्रिमिनोलॉजी पहले ही पढ़ के चले जाए ताकि इनकेस अगर वहां पर पहुंचे तो हमें ऑलरेडी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन हो, रादर देन थ्रेटिकल परस्पेक्टिव और बाकी चीजों के बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया एग्जिस्ट करता हूं, समझ आ गया। तो क्रिमिनोलॉजी इज नॉट जस्ट अबाउट शर्लोक होम्स, क्रिमिनोलॉजी इज नॉट जस्ट अबाउट सीआईडी एंड क्राइम पेट्रोल, ये सीआईडी की तरह नहीं होता। हाँ आप फोरेंसिक्स क्रिमिनोलॉजी में भी पढ़ेंगे, लेकिन सीआईडी की तरह फोरेंसिक नहीं होता कि हाँ हाँ जहर है, ये फोरेंसिक नहीं होता जो सीआईडी में होता है। तो वो जहर है तो वो मरा क्यों नहीं भाई, तू जो टेस्ट कर रहा था अपनी जुबान से, तो वो भाई वो है मतलब आप मूवीज है या जो भी समझ ले ड्रामा है सारे का सारा। लेकिन हाँ इसमें आप फोरेंसिक साइंस भी पढ़ेंगे, आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक साइंस भी पढ़ेंगे, आप इसमें डेटा बेस इन्वेस्टिगेशन भी पढ़ेंगे कि डेटा बेस इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है, आप ये भी पढ़ेंगे कि अच्छा एक क्राइम हो जाता है तो उसके बाद क्या स्टेप्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के या इंटेरोगेशन करने के, समझ आ गई। क्योंकि आपने देखा होगा बड़ी दफा कि जब भी कोई क्राइम होता है तो उसके कारण उन्होंने ना एक तार लगा देती है या एक पट्टी लगा देते हैं उस जगह के ऊपर, कॉर्डन ऑफ कर देते हैं उस एरिया को। कॉर्डन ऑफ क्यों करते हैं? क्योंकि क्रिमिनोलॉजी के अंदर एक लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल है। लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल कहता है कि एनीवन एंटरिंग द क्राइम सीन और लीविंग द क्राइम सीन इज आइदर ब्रिंगिंग समथिंग इन द क्राइम सीन और टेकिंग समथिंग अवे फ्रॉम द क्राइम सीन। दैट इज व्हाई क्या हो जाता है कॉर्डन ऑफ, कि सरकार नहीं जाना अंदर, खत्म। एनीवन एंटरिंग द क्राइम सीन इज एटलीस्ट ब्रिंगिंग हिज फुटप्रिंट्स, और एनीवन लीविंग द क्राइम सीन इज मे बी टेकिंग अवे समथिंग फ्रॉम द क्राइम सीन। That may help you in identifying who is the criminal. इसीलिए फिर आप देखते हैं अच्छा यार पहला स्टेप क्या हो गया, कॉर्डन ऑफ कर दिया, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, ये सारी की सारी चीजें आप क्रिमिनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और क्रिमिनोलॉजी इस मामले के अंदर जरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि इसके अंदर ना आप कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं जो कि आपने रोजाना के रोजाना कहीं ना कहीं सुनी हो। फॉर एग्जाम्पल आपने जावेद इकबाल का किस्सा सुना होगा जिसने 100 बच्चों का कत्ल किया था, राइट? अब उसके अंदर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट, उसके अंदर एक पूरे का पूरा केस लॉ आता है इसके ऊपर, राइट? कि उसके ऊपर उसने ऐसा क्राइम क्यों किया, एक इंडिविजुअल क्राइम क्यों करता है। हमें लगता है कि सिर्फ क्राइम जो होता है ना सिर्फ वही लोग करते हैं जो गरीब होते हैं, नहीं, अमीर लोग भी क्राइम करते हैं, उनका क्राइम का तरीका फर्क होता है, उसको हम व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। अब तो दुनिया के अंदर व्हाइट कॉलर क्राइम से आगे गोल्ड कॉलर क्राइम भी आ गया, शिफ्ट हो रहा है ना सारा कुछ, गोल्ड कॉलर क्राइम, व्हाइट, एक होता है कॉर्पोरेट क्राइम, एक होता है व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम वो होता है कि मैंने अपने फायदे के लिए कोई क्राइम कर दिया अपनी कंपनी के अंदर, यानी मैंने कोई फॉर एग्जाम्पल ऐसा जो है वो क्या किया कि मैंने करप्शन की जिससे मुझे फायदा हुआ, वो व्हाइट कॉलर क्राइम में आ जाता है। एक होता है कॉर्पोरेट क्राइम कि मेरे बॉस ने मुझे कहा कोई काम करना, मैंने वो काम कर दिया, फायदा कंपनी को हुआ मुझे नहीं हुआ, मुझे लगा ही नहीं है कि मैंने कोई क्राइम किया है, मुझे लगा मैं अपने बॉस की बात पूरी कर रहा हूं, कि कॉर्पोरेट क्राइम में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मेरी कंपनी की लिस्ट जो है वो अपलोड हो गई तो मेरी कंपनी जो है ना उसको 10 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, ये मुझे नहीं पता, मेरे बॉस को पता है। मेरे बॉस मेरे पास आया मुझे कहता यार मैंने हिसाब लगाया तू कल से ना काम कर रहा है बैठा यहां पे, तू की छुट्टी ना कर ले तू, क्योंकि जब मैं छुट्टी पे चला जाऊंगा वो लिस्ट अपलोड होगी नहीं, ठीक है। मैंने कहा यार बॉस बड़ा अच्छा आदमी, मैंने बॉस के कहने के बाद अगले दिन क्या कर ली, छुट्टी, और 2 दिन के बाद मैं आया, मैंने आके अपना काम किया, लिस्ट मैंने अपलोड कर दी, नॉर्मल, मुझे लग रहा कि मैं नॉर्मल काम कर रहा हूं, मैं बॉस को क्या कर रहा हूं सपोर्ट भी कर रहा हूं, बॉस इज अ गुड पर्सन। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 10 करोड़ का नुकसान क्या हुआ है, वो बच गया है, कॉर्पोरेट क्राइम्स में आ जाता है।
कॉर्पोरेट क्राइम्स के अंदर आपको लगता ही नहीं है कि आपने कोई क्राइम किया है, क्योंकि डायरेक्टली आपको बेनिफिट नहीं हो रहा। बेनिफिट होता किसको है? कंपनी को। हाँ, इनडायरेक्टली शायद हो जाता हो इस सारे का सारा कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि क्या इंडिविजुअल सिर्फ वही क्राइम करता है जो कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में नीचे होता है? क्या सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का ऊपर वाला बंदा भी क्राइम करता है? जी करता है, राइट? क्या क्राइम जो है वो करने के लिए, क्या अगर बच्चा क्राइम करे तो उस पर वही लॉ लगता है? नहीं, बच्चे क्राइम करते हैं तो हम बच्चों को कहते हैं जुबिनाइल। पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक है जुबिनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, पहले था जुबिनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000। याद रखें, जब भी वर्ड ऑर्डिनेंस आता है तो इसका मतलब है कि ये उस दौर में पास हुआ था जिस दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप थी। क्योंकि आपके पास जब भी ऑर्डिनेंस का वर्ड आता है तो इसका मतलब है कि ये प्रेसिडेंट की दिया हुआ लॉ है, और प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं करवाया, क्योंकि अगर पार्लियामेंट से अप्रूवल हुआ होता तो एक्ट होता। ये 2000 की बात है, इसलिए क्यों, किसके दौर में पास हुआ था? मुशर्रफ के दौर के अंदर। दैट इज द वर्ड ऑर्डिनेंस। तो 2000 के अंदर ऑर्डिनेंस आ गया, राइट? बाद में हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया। हाई कोर्ट ने कहा गया जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस है इसमें बहुत मसले हैं, तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस में जो मसले थे उनको ठीक करके एक नया लॉ बनाया गया, नाम रखा गया जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। इसके मुताबिक, इस लॉ के मुताबिक हमारे मुल्क में 18 साल से कम उम्र बच्चा अगर कोई क्राइम करेगा तो उसको वो सजा नहीं मिलेगी, जो सजा ऐसे बंदे को मिलेगी जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। समझ आ रही? फोकस रखें। अगर मैं कोई क्राइम करता हूं और मेरी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो मुझे क्रिमिनल कहा जाएगा और मेरे एक्ट को क्राइम कहा जाएगा। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर 18 साल से कम उम्र कोई इंडिविजुअल ये क्राइम करेगा तो उसके उसके एक्ट को क्राइम नहीं कहा जाएगा, उसको डिलिंक्वेंट कहा जाएगा, राइट? डिलिंक्वेंट। और उस बच्चे को क्रिमिनल नहीं कहा जाएगा, जुविनाइल कहा जाएगा। तो क्रिमिनल का क्राइम, जुविनाइल का डिलिंक्वेंट, यानी जुविनाइल डिलिंक्वेंसी। और आपका पूरा टॉपिक है ये जुविनाइल डिलिंक्वेंसी सेक्शन 2 का, हर साल सवाल आता है इसके ऊपर। 2017, 18, 20, 22, 23, हर साल सवाल आया इसके ऊपर, राइट? तो ये इसमें हर साल सवाल आता है जुविनाइल डिलिंक्वेंसी के ऊपर आपके पास। तो ये पॉइंट से अंडरस्टैंड करने वाले कि क्रिमिनोलॉजी, यस इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसके अंदर कुछ आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें समझ आती हैं, आपका बड़ा ना इंटरेस्ट रहता है इस सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन मेरी बात को याद रखिए, क्रिमिनोलॉजी के अंदर क्रिमिनल लॉ बहुत थोड़ा है। मतलब आपको ना कोई स्पेसिफिकली ये काम नहीं करना पड़ेगा कि आपको क्रिमिनल लॉ पढ़ना पड़ेगा, आपको सीआरपीसी के सेक्शन याद करने पड़ेंगे। जो थोड़े बहुत सेक्शन होंगे वो आपको मैं बता दूंगा कि ये सेक्शन 491 ये कहता है, सेक्शन 492 ये कहता है, सेक्शन 169 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, आईओ जिसको हम कहते हैं, अगर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उसको पता चल जाए कि ये बंदा जिसको मैंने अरेस्ट किया हुआ है ये बंदा क्रिमिनल नहीं है, वो आपको छोड़ सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास, आईओ के पास, अंडर सेक्शन 169 ऑफ सीआरपीसी ये इजाजत है कि अगर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उसको आइडेंटिफाई हो जाए, राइट, कि दिस पर्सन अंडर इन्वेस्टिगेशन इज इनोसेंट, दैट पर्सन हैज द राइट, कि वो आपको क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। लेकिन लेकिन हमारे मुल्क की जो अदालतें हैं, हमारे मुल्क की जो कोर्ट्स हैं, वो इस प्रैक्टिस को डिसलाइक करती हैं। वो कहती हैं कि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहती हैं कि आपके पास पावर तो है लेकिन हो सकता है कि वो इंडिविजुअल जो आपको आईओ छोड़ रहा हो उसने पैसे लेके काम किया हो। तो बंदे को रिहा करना जो है वो हमारा ही प्रोग्रेटिव होना चाहिए, यानी कि अदालतों का। कानून के अंदर लिखा हुआ है कि आईओ के पास पावर है, लेकिन कोर्ट्स क्या करती हैं, इस प्रैक्टिस को डिसलाइक करती हैं थोड़ा सा, राइट? गलत नहीं कहती, डिसलाइक करती हैं। और वो कहती हैं कि ये सारे का सारा प्रैक्टिस जो है वो किसकी तरफ होनी चाहिए, कोर्ट्स की तरफ होनी चाहिए। समझ आ गई? तो वी दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्रिमिनल लॉ। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लॉ के बारे में बात करेंगे, नहीं, इसमें कुछ ज्यादा रटे लगाने वाली चीजें नहीं है। जो दो चार सेक्शंस रटे लगाने वाले हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि ये रटे लगाने वाले सेक्शंस हैं, आप उनको याद कर लीजिएगा। वो मैं आपको एक लिस्ट ही बनवा दूंगा कि ये लिस्ट आप बना लें उनके सारी की सारी चीजें। समझ आ गई बात? तो हमारे पास जो चार सेक्शंस है ना, चार सेक्शंस, राइट, वो क्या क्या सेक्शंस है?
सेक्शन वन के अंदर हम बात करेंगे कि व्हाई पीपल कमिट क्राइम. क्या बात करेंगे? व्हाई पीपल कमिट क्राइम. सेक्शन टू में हम चले जाएंगे कि अगर ये क्राइम या एक्ट किसी बच्चे ने किया हुआ हो तो फिर उसको क्या कहेंगे हम? जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, राइट. और अब जब उस बच्चे ने क्राइम कर दिया है या किसी ने क्राइम कर दिया है, शुरू में तो हमने ये पढ़ना है ना सेक्शन वन में कि व्हाई पीपल कमिट क्राइम. सेक्शन टू में हमने करना है कि अब जब क्राइम हो गया है, राइट, तो क्या प्रोसीजर है सारे का सारा. इसे हम कहते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. हम पढ़ेंगे कि अब जब क्राइम हो गया अब क्या होगा. नंबर थ्री, नंबर थ्री में हम पढ़ेंगे बंदा अरेस्ट हो गया, सारा कुछ हो गया, अब इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है उसकी. उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसकी इंटरोगेशन होगी, राइट. उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि यार इस बंदे ने वाकई क्राइम किया है कि नहीं किया. पुलिस इन्वॉल्व होगी, प्रिजन इन्वॉल्व होगा, राइट. आपके पास प्रोसिक्यूटर्स इन्वॉल्व होंगे, आपके पास कोर्ट्स इन्वॉल्व होंगी, सारी की सारी. बात समझ आती? तो नंबर थर्ड सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? इंटरव्यू टेक्निक्स, इंटरोगेशन टेक्निक्स. यहां पर वो आएगा आपका सीआईडी, यहां पर वो आएगा आपका शर्लोक होम्स. क्योंकि शर्लोक होम्स इसलिए क्योंकि यहां पर आपके पास इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी आते हैं. शर्लोक होम्स में आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में कैसे किया जाता है सारा कुछ. और चौथे नंबर के ऊपर पॉइंट नंबर फोर, जो सेक्शन नंबर फोर आपका है, वो करंट जो आपके पास इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर जो आपके पास क्राइम रिलेटेड चीजें आ रही हैं. अच्छा, ये आपके पास टेररिज्म क्या है, ये रेडिकलिज्म क्या है, ये साइबर क्राइम क्या है, ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ये जो आप रोजाना की रोजाना खबरें पढ़ रहे हैं मार्केट में जो आ रही होती हैं, वो क्या है, नैब क्या करती है, एफआईए क्या करती है, राइट. ये सारी की सारी चीजें आपकी सेक्शन नंबर फोर में आती. तो चार सेक्शंस है, बड़े क्लियरली डिफाइंड है. हर सेक्शन के अंदर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन आते हैं, उन दो क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना है. यानी बाकी पेपर्स में आपने तीन सवाल चॉइस में छोड़ने हैं, क्रिमिनोलॉजी में चार सवाल चॉइस में छोड़ने हैं, तो आपके पास चॉइस ज्यादा है. ये वाहिद सब्जेक्ट है सीएसएस का जिसमें आठ सवाल आते हैं, सात नहीं आते. समझ आ गई बात? तो ये हमारे पास पोर्शन है थोड़ा सा सीएसएस के पोर्शन के अंदर क्रिमिनोलॉजी के आइडियाज को अंडरस्टैंड करने के लिए. अब दो बातें और भी हमारे पास आता है, फिर मैं आपके साथ आगे चीजों को लेकर जो है वो चलता हूं. तैयारी कहां से करनी, राइट, और क्या क्या चाहिए हमें नंबर लेने के लिए, वो तो मैं आपको बताता हूं. दो किताबें हैं आपके पास जो मेरे पास इधर पड़ी नहीं है, इन दो किताबों को आप अपने पास रख लें, ठीक है जी. इनमें से कोई एक भी रखना चाहे तो रख लें, लेकिन दोनों रखनी तो ज्यादा बेहतर है. ये आपके, अच्छा सिर्फ क्रिमिनोलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको जनरली बता दूं, मेरा एक जाती ओपिनियन है, पिछले सात आठ साल से सीएसएस को पढ़ाने का एक अंडरस्टैंडिंग मेरी है. आपने अगर सीएसएस में नंबर लेने हैं ना, तो आपने दो किताबें अपने पास रखनी है, एक लोकल ऑथर की और एक इंटरनेशनल ऑथर की. लोकल ऑथर आपको सीएसएस के रिलेटेड चीजें समझाएगा, उसने सीएसएस के रिलेटेड चीजें लिखी हुई होंगी, और इंटरनेशनल ऑथर आपको ना ऐड करेगा चीजों के अंदर, उसने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि लोकल ऑथर ने नहीं दी हुई. लोकल ऑथर ने सिर्फ सीएसएस के रिलेटेड लिखा हुआ है, इंटरनेशनल ऑथर ने सब्जेक्ट पे लिखा हुआ है, उसको नहीं पता कि यार सीएसएस भी होता है, उसने सब्जेक्ट पे बात की हुई. तो ट्राई टू हैव वन लोकल ऑथर ऑफ एनी सब्जेक्ट, वन इंटरनेशनल ऑथर, बेशक कोई भी सब्जेक्ट हो, तो ऐसा करें. लोकल ऑथर में आपके पास कारवान वालों का इट्स अ गुड बुक, क्रिमिनोलॉजी बाय कारवान, राइट, ये डॉक्टर लियाकत नियाजी साहब की किताब है, ठीक है, ये आप रख सकते हैं लोकल ऑथर्स के अंदर, ये अच्छी बुक है. इंटरनेशनल ऑथर्स के अंदर ये जो है ना, ये क्रिमिनोलॉजी की बाइबल है, लैरी सेगल, क्रिमिनोलॉजी बाय लैरी सेगल. इसको अगर आप रटा लगा लेंगे ना, तो सब्जेक्ट नहीं जाता कहीं ना. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेगल साहब ने जो है ना उसमें ये किया हुआ है कि उसने बहुत डिटेल लिखी हुई है. इसमें बस आपने करना ये है कि आपने वो, इसमें तो ऑब्वियसली आपके पास चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, आपने सिर्फ वो चैप्टर पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में, सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने. सर ये क्राइम एंड क्रिमिनोलॉजी पे आता है, व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी, राइट, व्हाट डू क्रिमिनोलॉजिस्ट डू, ये क्या करते हैं आपके पास, क्राइम एंड लॉ, राइट, सोर्सेज क्या है इसके, ये सारे के सारे आपके पास थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं, थ्योरीज कौन कौन सी हैं जो आपके सिलेबस में लिखी हुई, सब कुछ इसमें मेंशन है. ये जो है कारवान वाली बुक, ये बेसिकली आपके पास सिर्फ और सिर्फ किसकी बुक है, जो सिर्फ और सिर्फ सीएसएस के रिलेटेड जो है वो लिखी गई है, जो सीएसएस का पोर्शन है, सीएसएस का सिलेबस है, सिर्फ वो उन्होंने पूरा किया हुआ है, इन्होंने एक्स्ट्रा कोई बात नहीं इसके अंदर लिखी हुई. इसमें आपको लैरी सेगल में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इसके अंदर आपको टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन मिलेगी. ये दो चीजें आपके पास बुक्स के तौर पे होने की जरूरत है. क्लियर होगी बात?
आप हेडिंग डालिएगा जरा, हाउ टू गेट या हाउ टू स्कोर मोर मार्क्स इन क्रिमिनोलॉजी, ये करते हैं जी। आप बिल्कुल यहां से ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे पास हैं बुक्स, आप हमारे पास से ऑर्डर कर सकते हैं, सीपीआई से ऑर्डर कर सकते हैं, दोनों किताबें आपको मिल जाएंगी, आप कोई भी किताब ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे पास सारी बुक्स जो है वो अवेलेबल होती है हमारे पास स्टॉक्स के अंदर, कोई मार्केट में नहीं मिल रही ना किताब, तो आपको इंशाल्लाह हमारे पास से मिल जाएगी। आप बताइएगा, नाम बताएं उसका, किताब आपको हम ढूंढ देंगे। अच्छा जी, हाउ टू स्कोर मोर मार्क्स इन क्रिमिनोलॉजी, ये क्यों कैसे करना है आपने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। नंबर वन, लेकिन जी नंबर वन सादा सा तरीका है, ये बड़ी क्लीशे सी बात होगी आप लोगों, सर ये तो हमने हर जगह सुना है, यू नीड टू कवर द एंटायर सिलेबस, क्योंकि अगर आप कोई भी सेक्शन छोड़ देंगे ना तो उसका मतलब है एक सवाल तो आपने छोड़ ही दिया वहां से, समझ आ गई। तो पॉइंट नंबर वन क्या आएगा आपके पास, यू नीड टू कवर द एंटायर सिलेबस, समझ आ गई बात। ये तो बड़ा सिंपल सा सीधा सा असूल है, इसको आप छेड़ नहीं सकते। नंबर टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखें एवरी आंसर इन क्रिमिनोलॉजी, एवरी आंसर इन क्रिमिनोलॉजी नीड्स टू हैव एवरी आंसर इन क्रिमिनोलॉजी नीड्स टू हैव ए थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव, नीड्स टू हैव ए थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव टू जस्टिफाई एंड एक्सप्लेन दैट आंसर, टू जस्टिफाई एंड एक्सप्लेन दैट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टोटका है, आपने याद रखना है। आपके सिलेबस में ये जो थ्रेटिकल परस्पेक्टिव आए हुए हैं ना, ये उसने थ्यूरीज पूछी हुई है आपके सिलेबस के अंदर, ये देखें, ये सिलेबस निकाले ना आप, ये सिलेबस के अंदर आपके पास ना सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्यूरी, स्ट्रेन थ्यूरी, सोशल कंट्रोल थ्यूरी, लर्निंग थ्यूरी, लेबरिंग थ्यूरी, ये थ्यूरी सारी की सारी आपने याद रखनी है। इसको सेक्शन वन में हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जब आपने कोई भी सवाल लिखना है, बेशक वो सेक्शन वन का हो, सेक्शन टू का, सेक्शन थ्री का या सेक्शन फोर का, हर सवाल के अंदर उसको एक्सप्लेन करते वक्त आपने थ्यूरीज का सहारा जरूर लेना है, आपने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जो है वो जरूर एक्सप्लेन करना है। एग्जांपल देता हूं आपको मैं, आपको पता है कि नैब लॉस के मुताबिक, नैब के कानून के मुताबिक पहले एक इंसान को डिटेन कितने दिनों के लिए डिटेन किया जा सकता था, 90 दिनों के लिए, 90 डेज का रिमांड था, लॉ के मुताबिक कितने दिन का रिमांड होता है, 14 दिन का, नैब के लॉज के मुताबिक कितने दिन का रिमांड हो सकता था, 90 दिन का, यानी नैब एक बंदे को 90 दिन के लिए उठा के जेल में डाल सकती थी, 90 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन करने वाला कहती बंदा बेगुनाह है, बंदा वापस आ जाता था, लेकिन सरकार बंदा तो वापस आ जाता था, हमारी सोसाइटी नहीं छोड़ती थी उसे, हमारी सोसाइटी उसे पता क्या लगाती थी, थ्यूरी नंबर पांच, लेबलिंग थ्यूरी, कि एनू तो नैब चुक के ले गई थी, बात समझ आ रही है, 15 साल बाद मैं जाना तेरे प्यो नैब चुक के ले गई थी, तेरे दादे नूं जानदा मैं, हमारी सोसाइटी ना उस पर लेबलिंग थ्यूरी लगाकर उस सारे का सारा सिस्टम जो है उसको क्या कर देती है, खराब कर देती है। 90 दिन के लिए एक बंदा अगर जेल में चला जाए, हमारी सोसाइटी डज नॉट केयर कि यार कानून के मुताबिक 90 दिन इन्वेस्टिगेशन चल सकती है सारा कुछ, हमारी सोसाइटी को अगर एक बंदा पुलिस के डालने में बैठ कर नजर आ जाए ना, तो सरकार लेबलिंग थ्यूरी उसके ऊपर लग जाती है। तो फिर हुआ क्या, इस लेबलिंग थ्यूरी से बचने के लिए पहले उन्होंने इसको 14 दिन का रिमांड किया जितना कानून में था, अब उन्होंने इसको 30 दिन का रिमांड कर दिया, अब 30 डेज का हो गया, पहले 90 डेज का हुआ था, पहले 90 डेज से 14 डेज किया, अब उन्होंने इसको कितना कर दिया है, 30 डेज, कि जी लेबलिंग थ्योरी से क्या किया जा सके, बचा जा सके, समझ आ रही बात। तो उसमें कौन सी थ्योरी हमारे पास आ गई है, लेबलिंग थ्योरी, समझ आ गई बात। अच्छा ये देखें, एक होती है स्ट्रेन थ्योरी, स्ट्रेन थ्योरी पता कहती है प्रेशर, प्रेशर दिमाग के ऊपर, आप ना आपकी सोसाइटी आपके लिए एक सर्टन जो है ना वो पोजीशन खुद ही बना देती है, अच्छा यार बच्चे अगर तुमने कामयाब होना है ना, तो तुम्हारी कामयाबी को हम कामयाबी उस दिन मानेंगे जिस दिन तुम यहां पे पहुंचोगे, बात समझ आती, यानी उन्होंने आपके लिए ना एक बार खुद बना दिया कि बच्चे तुम मेरे लिए ना तुम कामयाब नहीं हो, तुम अपनी अपना बिजनेस चला रहे हो, अच्छा बिजनेस चला रहे हो, सरकार क्या कर रहा है,
क्या बिजनेस, कितना कमा लेते हो, 15 लाख महीने कमाते हो, कोई बात ठीक है, लेकिन तुम्हें पता क्या करना है, जब तक तुम सब इंस्पेक्टर नहीं ना हो जाते, बेटे तुम मेरे लिए जो है ना कामयाब नहीं हो, तो आपके लिए उन्होंने क्या सेट कर दिया है, एक बार, उस बार को अचीव करने के लिए जो आपकी सोसाइटी आप पे प्रेशर डालती है, प्रेशर डालती है, उससे आपके दिमाग में क्या पैदा होता है, स्ट्रेन, और आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए सारे ही लीगल और इलीगल रास्ते तैयार करने के लिए रेडी हो जाते हो, क्यों कि यार जब तक मैं यहां पर नहीं पहुंचूंगा मेरी सोसाइटी मुझे क्या नहीं करेगी, एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, समझ आ गई, यानी गोल इज सेट राइट एंड द मींस आर गिवन टू यू या मींस आर टोल्ड टू यू, आप उस गोल को अचीव करने के लिए लीगल या इलीगल मींस को जो है ना वो फॉलो करना शुरू कर देते हो, अगर आप इलीगल मींस को फॉलो करते हो तो आप क्या करना शुरू कर देते हो, क्राइम करना शुरू कर देते हो। एग्जाम्पल, तुम अगर महीने का 10 लाख नहीं कमाओगे ना पुत्र, तो तुम्हारा गुजारा नहीं होना, समझ आ गई, एक आपके लिए गोल सेट हो गया, अब आपने उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना शुरू किया, डकैतियां, क्यों, क्योंकि स्ट्रेन पैदा हो रहा था आपके दिमाग में, स्ट्रेन, स्ट्रेन थ्योरी आ जाती है, मेजोरिटी ऑफ द क्रिमिनल्स जो है वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेन की वजह से जो है वो सारा काम कर रहे होते हैं, इसमें एक थ्योरी है साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल थ्योरी राइट, कि अगर आप बचपन से, अगर आपकी अपब्रिंगिंग ठीक नहीं हुई राइट, आपकी अपब्रिंगिंग ठीक नहीं हुई, तो फिर आप बड़े होके क्या करते हैं, अपनी वो फ्रस्ट्रेशन किसी पे निकाल, सारी जिंदगी आपको खेलने नहीं दिया गया, आपको अंदर रखा गया, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुई, आपने बड़े होकर किसी बच्चे को खेलते देखा, आपको अपना पुराना माजी याद आ गया, आपने सारे का सारा गुस्सा किस पे निकाल दिया, उस बच्चे के ऊपर, साइकोलॉजिकल थ्योरीज, समझ आ गई बात, तो ये थ्योरीज हम इंशाल्लाह इसमें पढ़े, तो आपने इसमें क्या करना है, आप कोई भी सवाल करेंगे बेशक वो सेक्शन 1 का हो, क्योंकि थ्योरीज पढ़नी आपने सेक्शन 1 में है, लेकिन हमने अटेम्प्ट या अप्लाई उसको हर सेक्शन में करना है, समझ आ गई बात, तो अच्छे नंबर लेने के लिए दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने थ्योरीज को हर सेक्शन के अंदर क्या करना है, अप्लाई करना है, जब तक आप उसको अप्लाई, अच्छा जरूरी नहीं कि सिर्फ यही थ्योरीज, और भी बड़ी थ्योरीज है, मैं आपको और भी थ्योरीज बताऊंगा, जरूरी नहीं कि हर थ्योरी हर सवाल में लग जाए, कुछ और थ्योरीज भी हैं जो कि बाकी किसी जगहों पे हम लगाएंगे इंशाल्लाह, वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा कि इस सवाल में ये थ्योरी लगती है, इस सवाल में ये थ्योरी लगती है, समझ आ गई बात, तो थ्योरीज हम लगाते जाएंगे, सवाल हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट होता जाएगा, समझ आ गई बात। नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा जी, द कैंडिडेट्स नीड टू एड अपडेटेड इंफॉर्मेशन, द कैंडिडेट्स नीड टू एड अपडेटेड इंफॉर्मेशन, कैंडिडेट्स नीड टू एड अपडेटेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, आपको ना अपडेटेड इंफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी, आपको वो इंफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी जो कि आपको नॉर्मल आम बुक्स के अंदर, पुरानी बुक्स के अंदर आपको जो है वो नहीं मिल रही, सवाल ये है कि फिर हमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी कहां से, वो ऐसा क्या सोर्स है जहां से हमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो जरा सोर्स नोट करते जाए जहां से आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, नंबर 1 जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ये एक डीआईजी साहब है फसीहुद्दीन उनका नाम है, डीआईजी फसीहुद्दीन ये उनका जर्नल है, यहां से आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। दूसरा एक वेबसाइट है बड़ी अच्छी, कोर्टिंग द लॉ, कोर्टिंग द लॉ, कोर्टिंग द लॉ, इट्स अ गुड वेबसाइट, यहां से आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी जो है वो मिलती जाएगी, आप वहां से जो है इसको नोट जो है वो एट द एंड ऑफ द डे जो है वो करते हैं, समझ आ गई बात। इसके अलावा एक और वेबसाइट है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी, अच्छी चीज है, अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी,
इसी तरह की है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी, एक है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी, एक है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी, वहां से आपको मिल जाएगी। समझ आ गई बात? एक और लिख ले, पाकिस्तान सोसाइटी, नहीं पाकिस्तान एशियन सोसाइटी, पाकिस्तान एशियन सोसाइटी, पाकिस्तान एशियन सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी, पाकिस्तान एशियन सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी। तो कौन बातें कर रहा है स्पीकर पे? कोई भी नहीं कर रहा, तो आवाजें अंदर आ रही, बंद करो ना स्पीकर। पाकिस्तान एशियन सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी, ये आप यहां से इंफॉर्मेशन जो है, आपको अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। ये आप समझ लें, आप ये कह लें कि ये आपके पास जर्नल्स हैं, आपके पास वेबसाइट्स हैं, जहां से आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग क्रिमिनोलॉजी जो आप यहां से ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाती है, मिलती जाएंगी सारी की सारी। क्लियर होगी बात? सवाल रेलिवेंट होते, हर चीज तो नहीं पढ़ने वाली होती ना यार। अब कुछ चीजें होंगी जो कि जनरली वैसे उन्होंने ओवरऑल क्राइम पे लिखी हुई होंगी, राइट? अब जैसा फॉर एग्जांपल हर डॉन के अंदर बड़े लोग एडिटोरियल लिखते हैं, लेकिन हर एडिटोरियल नहीं पढ़ने वाला होता, जो आपके रिलेटेड होता सर वो पढ़ते हैं, बाकी कहते हैं यार ये मेरे रिलेटेड नहीं है। अगर बर्किना फासो के अंदर एक ट्रांसफार्मर जल गया तो जना मेरा क्या कसूर है भाई, मैं तो वही पढ़ना है ना जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन है, आपको ना पिक एंड चूज करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी उस पे लगी, राइट? जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी कॉन्टेक्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट केस है वहां पर, क्योंकि उसके अंदर आपने एट द एंड ऑफ द डे कानून के मुताबिक जो जुवेनाइल है उसकी आइडेंटिटी जो है उसको आप दुनिया के सामने नहीं रख सकते। इफ समवन प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ द जुवेनाइल, उसको 6 महीने की कैद है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। बात समझ आती? पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर जुवेनाइल की आइडेंटिटी कोई प्रेजेंट करता है किसी के सामने, कानून के मुताबिक जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के मुताबिक 6 माह की कैद है, हमारे मुल्क में कहां होता है? हमारे मुल्क के अंदर नाम कैमरा मैन वैसे ही पहुंच जाता उसका, और बच्चे तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम गुफरान है, क्या कर रहे थे? गाड़ी चला रहा था, कहां जा रहे? मैकडॉनल्ड बर्गर खाने जा रहा था। वो तो सारी दफा लगाते फिर रहे हैं उसके अंदर, समझ आ गई? तो उसको छोड़, वो करेंगे, मतलब हमने तो ये बात करनी है कि लॉ में क्या लिखा हुआ है। बात समझ आती? हमारे मुल्क में कानून कोई इंप्लीमेंट नहीं करता, समझ आ गई बात? वो बड़ी चीजें डिफरेंट है, हमारे इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स बहुत डिफरेंट है, हमारी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स है ही नहीं, वी ओनली हैव वन इन्वेस्टिगेशन टेक्निक, राइट? एंड दैट टेक्निक यू नो इज अ वेरी परफेक्ट टेक्निक, ठीक है? बहुत अच्छी टेक्निक जो है उसके अंदर जो है मौजूद है। मैं हमेशा एग्जाम्पल दे रहा था कि मेरे स्टूडेंट ही था, तो वो उसका फोन आया, मैं आई वॉज इन द क्लास, सेम इसी क्लास पढ़ा रहा था, उसका फोन आ गया, तो मैं फोन ही पिक कर सकता, तो मैं वापस उसको फोन किया, तो मुझे कहता सर मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, मैं ना मुलजुम को पानी लगवा रहा हूँ। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहता सर मैं मुलजुम को पानी लगवा रहा हूँ, मैं फोन बाद में करता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पानी लगवा रहा हूँ। मैं सोचता रहा कि यार पानी लगवाने वाला कौन सा है? फसल को तो पानी लगते देखी, ये मुलजम को पानी लगते तो मैंने पहली दफा जो है वो पता किया। मैं क्यूरियोसिटी में हो गई, मैंने इसे पूछना जरूर कि ये मुलजम को पानी कैसे लगता है, ठीक है? फिर उससे उसका मुझे बात में उससे मेरी बात हुई, मैंने कहा यार बाकी चीजें बाद में, तेरा मसला मैं बाद में हल करूंगा, पहले मुझे बताइए पानी वाला मसला क्या है। कहता सर वो तरीकाकार ये है कि वो हमारा कहता है कि यहाँ पे स्पाई है, उसने कहता सर मुझे तरीका बताया ये। मैं क्या तरीका है? कहता सर वो मुलजम को उल्टा लटका के ना उसकी नाक में लोटे से पानी डाल देते, मुलजम सब बता देता है। मैं कहा मुझे ना सुन के दर्द हो रही, ठीक है ठीक है? तो कहता सर ये, मैं कहा ये दिस इज द ओनली इन्वेस्टिगेशन टेक्निक दैट वी हैव, मारो उसको और इतना का मारो कि वो बंदा जो है ना वो चुप करके वो भी मान जाए जो उसने नहीं किया, ठीक है? जो उसने किया वो जान छुड़ाने के लिए क्या सरकार मैंने कायदे आजम को मारा, मैंने मैंने मारा कायदे आजम, समझ आ रही है? तो ये सिचुएशन तो इसमें नहीं है। दुनिया के अंदर कुछ इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स फर्क है, इंटेरोगेशन टेक्निक्स फर्क है, इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन में फर्क होता है, इंटरव्यू और इन्वेस्टिगेशन में फर्क होता है, इंटरव्यू और इंटेरोगेशन में फर्क होता है, राइट? वो सारा कुछ हम इंशाल्लाह इसके अंदर जो अल्टीमेटली पढ़ेंगे। क्लियर होगी बाजी? आखिरी एक और कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हैं जिसके अंदर लिखे जी, टू स्कोर वेल कोटेशंस फ्रॉम रिनाउंड क्रिमिनोलॉजिस्ट्स, कोटेशंस फ्रॉम रिनाउंड क्रिमिनोलॉजिस्ट्स इज असेंशियल।
quotations from renowned criminologists are essential. जो renowned criminologists हैं उनकी quotation आपने उनके साथ जो है ना वो उनकी लिखते जाना है. ये मैं आपको हर सवाल में इंशाल्लाह लिखवाऊंगा कि आप quotation लिख लें जी. वो quotation आपको याद होनी चाहिए कि quotation आप उसमें mention करते जाएंगे, चीजें इंशाल्लाह जो है वो पूरी आपके पास जो है वो होती जाएगी. समझ आ गई बात? ये चीज आपने जो अल्टीमेटली जो है वो जरूर करनी है. आखिरी बात लिखे इसके अंदर ही पेपर अटेम्प्टिंग के अंदर, ऑलवेज यूज फ्लो चार्ट्स एंड टेबल्स. ऑलवेज यूज फ्लो चार्ट्स एंड टेबल्स. ऑलवेज यूज फ्लो चार्ट्स एंड टेबल्स राइट टू एक्सप्रेस द आंसर बेटर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऑलवेज यूज फ्लो चार्ट्स एंड टेबल्स टू एक्सप्रेस द आंसर बेटर. आपको अपने आंसर को बेटर करने के लिए, अच्छा एक्सप्रेस करने के लिए फ्लो चार्ट्स बनाने पड़ेंगे, आपको उसमें टेबल बनाने पड़ेंगे. समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल उसने हमसे सवाल पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेशन एंड इंटरव्यू टेक्निक्स. आप क्या करें, टेबल बना दें. ठीक है जी, इंटरोगेशन दे रख दें, इन्वेस्टिगेशन लिख दें. वैसे तो आप पैराग्राफ भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है, टेबल बना दें. राइट तो आप जब तक टेबल्स की फॉर्म के अंदर नहीं लिखेंगे, जब तक आप जो है वो फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे, समझ आ रही है, तो तब तक आप जो है ना वो आपका आंसर जो है ना वो उतना अट्रैक्टिव नहीं होगा. आपको जो है वो कोटेशंस लिखनी पड़ेंगी, आपको फ्लो चार्ट्स बनाने पड़ेंगे राइट, और आपको जो है ना वो टेबल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे. ये मैं आपको बता रहा हूं तब आपको करना पड़ेगा जब आपको कितने नंबर चाहिए, 80, 60 नंबर लेने हैं, 50 नंबर लेने हैं, 40 नंबर लेने हैं, कोई मसला नहीं. आप सिर्फ चुप करके बगैर हेडिंग के आप जनाब पूरे सवाल चार करें, 40 नंबर तो आपको दे ही देगा. समझ आ रही है? ये काम आपको करना पड़ेगा अगर आपने कितने नंबर लेने, 80 राइट. दूसरा काम बड़ा जरूरी है, अगर आप इस सेशन के अंदर इनरोल होते हैं ना तो हमारे पास तीन टेस्ट हैं इसके, दो हाफ लेंथ एक फुल लेंथ. यानी कि जब आपके पास हाफ सिलेबस हो जाएगा ठीक है तो एक टेस्ट आपका तब होगा, हाफ सिलेबस हो जाएगा तो एक टेस्ट आपका तब होगा, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तो आपका एक फुल लेंथ मॉक होगा. ये तो वो है जो इसके अंदर ही इंक्लूडेड है. नंबर टू, अगर आप लोगों ने इसके अलावा अगर मुझे कोई जो है असाइनमेंट चेक करवानी है कि सर ये हमने कल टॉपिक पढ़ा था, मैंने घर जाके जो है ना इसका पास्ट पेपर खोला, उसके पास्ट पेपर में इस पे ये सवाल आया हुआ था, मैंने इसमें किया है, मुझे चेक कर दे, मैं चेक कर दूं. बात समझ आती है? असाइनमेंट्स तो आपकी हैं, वो आपकी अपनी है, जितनी मर्जी ले आए आप, वो आप दो असाइनमेंट्स ले आए, तीन ले आए, चार ले आए, हर रोज की एक एक ले आए, मुझे कोई मसला नहीं. बात समझ आती है? वो आपकी असाइनमेंट्स हैं, आपने जितनी मर्जी मुझे चेक करवानी है. ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स बैठे हुए इनको हम गूगल क्लासरूम में ऐड कर देंगे, ठीक है जी, गूगल क्लासरूम में. उसमें मैं आपको ना एक्स्ट्रा एक फोल्डर बनवा दूंगा गूगल क्लासरूम के ऊपर पर्सनल असाइनमेंट्स का, आप लोग उस पर लिखें, तस्वीर खींचें, तस्वीर खींच के पीडीएफ बना के अपलोड कर दें, मैं उसको वहीं पे चेक करके आपको उधर ही गूगल क्लासरूम पे आपको रिप्लाई कर दूंगा उसका. समझ आ गई बात? लेकिन अगर आप लोग कैंपस पे आना चाहते हैं ज्यादा बेहतर है, यहाँ पे जरा वैसे मजीद डिस्कशन भी हुई की जा सकती है सारी की सारी, अगर आफ्टर द क्लास भी कोई डिस्कशन करनी है तो वो भी हमारे पास भी की जा सकती है. अगर किसी ने ऑनलाइन ज्वाइन है वो तो आ सकता है, कोई मसला नहीं, लेकिन किसी ने कैंपस में तो ज्यादा बेहतर उसका. क्या तो बात समझ आ गई? आइडिया क्लियर हो गया? अब मैं आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन बताने लगा जो शायद बड़ी अजीब हो आप लोगों के लिए. हम जब स्टार्ट करते हैं अभी हम क्रिमिनोलॉजी के सिलेबस को, लेकिन मैं आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन बता दूं जरा. आपको पता है कि क्राइम क्राइम तब होता है जब वो लिखा हुआ हो कि वो क्राइम है. अगर क्राइम लिखा हुआ नहीं है ना तो वो क्राइम नहीं है. और समटाइम्स कुछ चीजें एक इलाके के अंदर बड़ी नॉर्मल है लेकिन दूसरे इलाके के अंदर वो क्या होती हैं, क्राइम होती हैं. एक इलाके में बड़ी नॉर्मल है, दूसरे इलाके में क्राइम. एग्जाम्पल देता हूं, डेनमार्क के अंदर 200 अप्रूव्ड नेम्स हैं, 200 अप्रूव्ड नेम्स. अगर आप उन 200 नामों के अलावा को नाम रखना चाहते हैं ना तो क्राइम है. आपको उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से. और अगर आपने परमिशन लिए बगैर रखा है तो फिर आपने क्या किया है, क्राइम किया है. स्कॉटलैंड के अंदर अगर एक बंदा आपके घर में दाखिल हुआ है नॉक करके राइट, और उसने नॉक करके
एक अजीब सी बात है, उसने नॉक किया, उसने कहा कि मुझे आपके वॉशरूम यूज करना है। आप नहीं जानते उसको, वो जनरली एंटर हो गया आपके घर के अंदर, सर मुझे वॉशरूम यूज करना है, आपका जी आपको नहीं यूज करने देना, आपने क्राइम किया। हर इलाके के अंदर कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जो बाकी किसी इलाके में ना मतलब फील ही नहीं होता कि ये क्राइम है। बात समझ आती? एग्जाम्पल देता हूं, एक बंदा है जिसका नाम है, पाकिस्तान से गया है वो पढ़ने के लिए, जनाब सिकंदर नाम का बंदा पाकिस्तान से पढ़ने के लिए इटली चला गया। इटली के अंदर जनाब मिलान शहर है, वहां पर बैठा हुआ है सिकंदर साहब ने, जनाब अपना घर किराए पे ले लिया है, और उसने जनाब घर किराए पे लेके ना उसने अपना एक जानवर पेट कुत्ता रख लिया अपने पास, कि चलो यार इसके साथ जो है ना मैं सैर शेयर करता रहूंगा। वो सुबह के टाइम जो है वो जाता है यूनिवर्सिटी, कुत्ते को खाना शाना डाल के जाता है, सारा कुछ करके जाता है, वापस आता है, ठीक है जनाब बैग शेग रखता है, जनाब कुत्ते को पकड़ता है और घूमने फिरने चला जाता है, और कुत्ते का बड़ा ख्याल रख रहा है, सारा कुछ है। आपको लग रहा है यार बंदा बड़ा नॉर्मल है, बड़ा अच्छा जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन आपको पता है सिकंदर ने क्राइम किया। क्यों क्राइम किया? क्योंकि मिलान के अंदर रूल है कि अगर आपने कोई पेट रखना है ना तो आपको दिन में दो दफा सैर करवानी है, उसको एक दफा नहीं। ठीक है, उसने क्राइम कर दिया, उसको पता ही नहीं चला। समझ आ रही बात? तो समटाइम्स अ सर्टन एक्ट मे बिकम अ क्राइम इवन इफ यू नॉट अवेयर ऑफ इट, मतलब इट सीम्स लाइक अ वेरी नॉर्मल एक्ट बट इट विल टर्न इन टू अ क्राइम, क्योंकि वो उधर के इलाके के क्राइम से क्या है, मतलब इलाके के नॉर्म्स वैल्यू से क्या है, डिफरेंट है। समझ आ रही है बात? अब दूसरी बात, एक और वर्ड है आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड डिवियंस, वर्ड है डिवियंस। क्राइम होता है कि आपने कोई लॉ की वॉयलेशन की है, क्राइम तो हुआ ना कि आपने किसी लॉ की वॉयलेशन की, लिखा हुआ था आपने वॉयलेशन कर दी, बंदा उड़ा दिया आपने जनाब, ये तो क्राइम कर दिया आपने। डिवियंस क्या है? डिवियंस है कि आप किसी सोसाइटी के एस्टेब्लिश नॉर्म्स के खिलाफ जा रहे हैं। डिवियंस इज डिविएट हो जाना किसी जगह से, राइट? डिवियंस की क्राइम नहीं है वो, लेकिन आपने क्या किया है, उस सोसाइटी के एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स के क्या चले गए, आप खिलाफ चले गए हैं। बात समझ आ रही है? एक बंदा है जनाब जिसने कहा है, जनाब उसके वाले साहब कह रहे हैं कि सरकार तुमने लॉ करना हो, कहता सर मैंने लॉ नहीं करना, अब्बा जी मैंने नहीं करना लॉ, लॉ मेरा बस ही नहीं, मैंने बिजनेस जो है वो करना है। अब्बा जी कहते हैं कि सरकार मैंने, तुम्हारे दोनों भाइयों ने, तुम्हारे दादा ने, फिर उसके दादा ने, फिर उसके पिछले दादा ने, पिछले 7 नस्लों में ऐसा कोई बंदा पैदा नहीं हुआ जिसने लॉ नहीं किया, तू वाहिद है जिसने लॉ नहीं किया, तो उसने क्राइम नहीं किया, उसने डिवियंस किया है। समझ आ रही है बात? एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ द सोसाइटी के क्या हो गया, खिलाफ चला गया। समझ आ गई भाई जान? हमने आज तक सैयदों के बाहर शादी की, तू वाहिद बंदा है जिसने ये हिम्मत की है ये काम करने की, क्राइम नहीं किया उसने, क्या किया है, डिवियंस किया है। जब आप किसी एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल के खिलाफ जा रहे हैं, उस सोसाइटी का एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल जो एग्जिस्ट करता है उसके खिलाफ जाएंगे तो डिवियंस होगा, वो क्राइम नहीं होगा, राइट? फिर होता है ईवल, राइट? फिर होता है सिन। सिन होता है व्हेन यू डोंट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द ऑलमाइटी, वो सिन है, वो क्राइम नहीं है। जब आपने किसी लॉ को फॉलो नहीं किया तो क्राइम कर दिया, अल्लाह के अहकाम को फॉलो नहीं किया तो फिर क्या किया है, सिन। क्राइम की पनिशमेंट लॉ के अंदर है, क्राइम की पनिशमेंट अदालत देती है, सिन की पनिशमेंट अल्लाह खुद देता है। समझ आ गई बात? ये सिन हो जाता है, वो होता डिवियंट बिहेवियर ही है। डिवियंट में और क्राइम में क्या फर्क हो गया, कि वहां पर आप एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स के खिलाफ जा रहे हैं, यहां पर आप लॉ के खिलाफ जा रहे हैं। लॉ के खिलाफ जाएंगे तो अदालत आपको सजा दे देगी, डिवियंस वो करेंगे ना आप, तो आपको आपको घरवाली सजा दे देगी, ठीक है जनाब तेरा मोबाइल फोन बंद 4 दिनों के लिए, तुझे कोई रोटी नहीं मिलेगी 2 दिनों के लिए, बंद कर दो उसको अंदर, ठीक है जनाब ये बंदा बाहर नहीं निकलेगा, रात को 12 बजे के बाद तेरी एंट्री बंद, घर में बंद, रात को 12 बजे आना है तो बाहर ही सो, अपना बिस्तर ना लेके जा। समझ आ रही? डिवियंट है सोसाइटी, उस पर कोई ना कोई चेक्स एंड बैलेंसेस लगा देती। समझ आ गई बात? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंटायर आइडिया। समझ आ गई बात? ये हम सारा कुछ इंशाल्लाह इसके अंदर जो है वो पढ़ना जो है वो शुरू करेंगे, उन सारी के सारी चीजों के। समझ आ गई जी? अभी तक कुछ सवाल है तो पूछें जी। सो हाउ टू ऐड इन गूगल क्लासरूम, आई एम फ्रॉम अनदर सिटी। कोई बात नहीं, आप उसमें करेंगे क्या कि आप इनरोल हो जाएंगे, इनरोल होने के बाद आप हमारा जो है स्टाफ आपको खुद ही कर देगा, उसके अंदर ऐड कर देगा, ठीक है जी, वो उसमें ऐड हो जाएगा सारे को, आपको करना नहीं है, आपको परेशानी नहीं लेनी है आपने। अच्छा जी सर, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी ऑफ एमसीक्यूज, नंबर 1 आप बुक्स को पढ़ते जाएंगे,
तो आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो आपके एमसीक्यूज खुद बखुद पूरे होते जाएंगे, राइट। एक तो तरीका एमसीक्यूज का ये है कि आप बुक्स से तैयारी करते जाए, सारे के सारे आपके एमसीक्यूज वहीं से पूरे हो जाएंगे। दूसरा तरीका एमसीक्यूज करने का क्या है कि आपके पास जो है ना वो मैं आपको, अगर आप लोग फिजिकल क्लास में भी आते हैं तो कोई बात नहीं, आप गूगल क्लासरूम तब भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं गूगल क्लासरूम पे ना आपको दो तीन लिंक्स आप अपलोड कर दूंगा, उन लिंक्स को आप फॉलो करते जाएंगे तो आप वहां से पढ़ते जाइएगा, मतलब एमसीक्यूज वहां से पूरे करते जाइएगा। तो मैं आपको वहां से जो है वो आपको मैं कर दूंगा जी इसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा जी सर, अबाउट डिटेल्स ऑफ द क्लास, व्हाट ड्यूरेशन, ड्यूरेशन होती हमारी हमेशा 1.5 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे की ड्यूरेशन होती है, और क्लास का जो टाइम है हमारे पास वो 2 से 5 के दरमियान में है, यानी वो 2 से 3.5 भी हो सकता है, वो 3.5 से 5 भी हो सकता है। कभी कभार अगर टॉपिक थोड़ा सा लेंथी हो तो 2 घंटे की क्लास भी हो जाती है, 2 से 4 भी कर लेते हैं कभी कभार, ठीक है। तो मतलब ये 2 से 5 के दरमियान में घूमता फिरता रहेगा टाइम, ठीक है। इट कैन बी 2 to 3:30 और इट कैन बी 2 to 4, समटाइम्स 2 to 4 भी हो सकता है, समटाइम्स 2 घंटे की क्लास भी हो जाए अगर थोड़ा टॉपिक लेंथी हो ना, वो 1.5 में पूरा नहीं होता तो आधे घंटे का एक्स्ट्रा जो है वो क्लास करके उसको कंप्लीट कर लिया जाता है, ठीक है जी। ड्यूरेशन कितनी है, इस एक महीने में पूरा करना है हमने इसको, 31 दिसंबर तक इंशाल्लाह इसको पूरा कर लेंगे, राइट। इसी एक महीने के अंदर कंप्लीट कर लेंगे 31 दिसंबर तक। टोटल इसके 15 लेक्चर्स हम करेंगे इंशाल्लाह, 15 लेक्चर्स के अंदर अंदर हम इसको जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, 15 टू मैक्सिमम भी हुआ तो 16, तो 15 लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है इसको हम कंप्लीट कर लें, हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप लोग साथ चलते रहेंगे ना तो काम होता जाएगा सारे का सारा, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है जी। खान साहब की बात फॉलो करनी है, खान साहब ने क्या कहा, सबसे पहले तो आपने ये नहीं, और जिंदगी और सुकून हमेशा किसमें है, सिर्फ कब्र में, ठीक है। तो ये सिर्फ आप लोगों ने जो है वो अंदाजा लगानी, दो चीजें आपने याद रखनी, सुकून सिर्फ कब्र में और आपने घबराना नहीं, दो बातें। इवन तो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं, लेकिन ये है कि फॉलो आप लोगों ने करनी है सारी की सारी बातें, इसलिए मेरी बात को ना फॉलो करें, खान साहब की बात को तो आप फॉलो कर सकते हैं ना, तो बस करते रहे सारा कुछ, ठीक हो गया जनाब। अच्छा जी सर, इट इज कंपल्सरी टू फॉलो एनी बुक, जी बिल्कुल बुक को फॉलो करें, क्योंकि मैं आपको क्लास में नोट्स भी बनवाऊंगा, आपको नोट्स भी बनवाऊंगा, मेरी आदत है जरा डिक्टेट करवाने की, मैं आपको डिक्टेट करवा दूंगा चीजें सारी की सारी, लेकिन अगर आप अपने साथ बुक रखेंगे ना तो सारी बात है बुक में कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखी होंगी ना, तो आप उस टॉपिक के रिलेटेड हेडिंग आपको मैं बनवा दूंगा, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी आपको सारी दे दूंगा, सारा कुछ आपका हो जाएगा। एंड पे आपने क्या करना है कि बुक में जाके कुछ 2-4 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर आपके नोट्स क्या होते जाएंगे पूरे होते जाएंगे सारे के सारे, ठीक हो गया जनाब। और कोई मसला परेशानी, ठीक है जनाब। अच्छा जी सर, इजंट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अमेंडमेंट बीइंग अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, किस कॉन्टेक्स्ट में रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई हो रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, मुझे जरा कॉन्टेक्स्ट बता दें ताकि मैं उसको क्लियर कर दूं कि इस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई हो रहा है। जी आईफोन का मैसेज आया जनाब, ठीक है जनाब। अब मुझे नहीं पता कि आईफोन अब लड़का है लड़की है, कौन है जनाब, रोबोट भी हो सकते हैं आजकल, आपको पता है AI भी बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है। IK के केस में IK, अच्छा इमरान खान, अच्छा ये यार पूरा लिखा करो ना, ये जो इमरान खान से अलावा जो IK के अंदर तुमने जो 2 सेकंड बचाए हैं ना, ठीक है जनाब, प्लीज इसको ना जरा अच्छी जगह पे यूज किया करें इस तरह के टाइम को ना जनाब, गोल दायरे के ग्राउंड अबाउट भी ना इधर से निकल जाते हैं, ठीक है जनाब, वो जो 2-3 सेकंड आप बचाते हैं ना, प्लीज उसको ना किसी अच्छी प्रोडक्टिव जगह पर इस्तेमाल किया करें, मतलब क्योंकि आपने बहुत ज्यादा टाइम उससे जो है वो बचाया हुआ होता है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज इट इन गुड टाइम्स, पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिएगा जी। सो जब भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आर्टिकल 12 है 12 जो कहता है कि कोई भी क्राइम पाकिस्तान के, सॉरी कोई भी पनिशमेंट पाकिस्तान में रेट्रोस्पेक्टिव नहीं अप्लाई हो सकती। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर आज एक कानून है तो आपको आज क्राइम अगर आपने किया है तो आपको आज उस कानून के मुताबिक सजा मिलेगी, अगर कल कानून चेंज हो गया है तो फिर आपको सजा पुराने वाले कानून के मुताबिक ही मिलेगी, क्योंकि तब आपने जब क्राइम किया था तब वो कानून बना हुआ था, इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। एग्जांपल देता हूं, पेट्रोल की कीमत थी 200 रुपया, शाम को बढ़ गई 20 रुपए, 220 हो गई रात को 12 बजे के बाद, आपने 11 बजे पेट्रोल डलवाया तो 20 रुपए कम थी, 200 रुपए कीमत थी, 12 बजे के बाद 20 रुपए बढ़ गई। अब जो बंदा जो पेट्रोल वाला पेट्रोल पंप वाला घर तो नहीं ना आएगा 12 बजे के बाद, सर वो आपने पेट्रोल डलवाया था तो 20 रुपए मैडम आपके रहते थे, ठीक है क्यों भाई, कि भाई मैंने तो उस टाइम पेट्रोल लगाया था 200 की कीमत ही नहीं, आप बढ़ गई है, तो कहा भाई 11 बजे वालों से क्यों ले रहे हैं, 10 बजे वालों से भी लें, 9 वालों से भी लें, तो फिर पॉइंट पता क्या होगा कि आप कितना पीछे तक जाएंगे रेट्रोस्पेक्टिव लॉ के अंदर, इसलिए लॉ रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई होता ही नहीं है, बात समझ आती। ऐसे सिनेरियो के अंदर जब भी कोई लॉ रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई किया जाता है
वो अपील में क्या होता है, फारिग हो जाता है। जनरल मुशर्रफ के केस की एग्जांपल ले लेता हूं। जनरल मुशर्रफ के कानून के मुताबिक भी ऐसा ही था, आर्टिकल 6 था जनरल मुशर्रफ पे लगा, आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके मुताबिक ये कहा जाता है अब के कानून के मुताबिक जो 2010 में अमेंड हो गया, राइट, 18th अमेंडमेंट में, Whosoever abrogates the constitution, suspends the constitution or holds the constitution in abeyance, right? उसके ऊपर आप क्या लगाओगे? आर्टिकल 6। उसको कौन सा क्राइम उसने किया है? हाई ट्रीजन का। लेकिन जब जनरल मुशर्रफ ने ये काम किया था तब कानून में सिर्फ एब्रोगेट लिखा हुआ था, सस्पेंड नहीं लिखा हुआ था, अबेयंस नहीं लिखा हुआ था। इसलिए जनरल मुशर्रफ को सजा हुई फांसी की, बाद में क्या हुआ, वो सजा मुअत्तल हो गई। वो इसलिए मुअत्तल हो गई क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि जब जनरल मुशर्रफ ने वो क्राइम किया था तब जो है वो अल्टीमेटली वर्ड सस्पेंशन का और अबेयंस का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं मौजूद। तो अगर कोई कानून, कोई सजा अप्लाई हुई भी है रेट्रोस्पेक्टिव, वो अपील में जाके फारिग हो जाएगी। उसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, वो हो जाती है इसी तरह कानून में। यही तो पॉइंट है आपके पास सारे का सारा। क्लियर हो गया बाजी? आइए जी स्टार्ट करते हैं जी कॉन्सेप्ट को, जरा थोड़ा सा समझते हैं कि क्रिमिनोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें स्टार्ट होती हैं। अच्छा जी, क्रिमिनोलॉजी जो है ना, ये बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। एक वर्ड है क्रिमिन और दूसरा वर्ड है लोजिया। क्रिमिन लोजिया, क्रिमिन कहते हैं एक्विजिशन को, एक्विजिशन को, कि आप किसी को एक्यूज करें, आप किसी को क्या करें, एक्यूज करें किसी को, क्रिमिन इज एक्विजिशन। और लोजिया का मतलब होता है टू स्टडी, लोजिया से निकला है ओलोजी। बात समझ आ रही? ओलोजी का वर्ड बायोलॉजी, समझ आ रही? एंथ्रोपोलॉजी। इसी तरह लोजिया से वर्ड निकला है ओलोजी, उसका मतलब होता है टू स्टडी। यानी क्रिमिनोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ एक्विजिशन। किस चीज की एक्विजिशन? क्राइम। समझ आ गई बात? यानी अगर आप एक्विजिशन को स्टडी करते हैं, यानी कौन, किस एक्विजिशन को? क्राइम की एक्विजिशन को, उसे क्या कहा जाता है? क्रिमिनोलॉजी। समझ आ गई बात? 1879 तक याद रखना है आपने, 1879 तक क्रिमिनोलॉजी जो थी ना, क्रिमिनोलॉजी वो पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी ही पढ़ाई जाती थी। 1879 तक क्रिमिनोलॉजी वॉज टॉट एज पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। 1879 के अंदर एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, नाम था उसका पॉल टॉपनॉल्ड। क्या नाम था? पॉल टॉपनॉल्ड, TOPPENURD, पॉल टॉपनॉल्ड, फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, नाम था पॉल टॉपनॉल्ड। 1879 इसने ये आइडेंटिफाई किया कि ये जो स्टडी ऑफ क्राइम है ना, ये पूरी साइंस है। आप इसको सोशियोलॉजी के अंदर सिर्फ एज अ सब डोमेन नहीं पढ़ा दिया यार, ये पूरी साइंस है। एक इंसान क्राइम क्यों करता है, क्राइम करने के बाद उस पर क्या कानून लगना चाहिए, एक इंसान जो है उसके खिलाफ कौन सी इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक होगी, इट इज अ प्रॉपर साइंस। व्हाई पीपल कमिट क्राइम, इट शुड बी स्टडीड एज अ सेपरेट सब्जेक्ट। सो इसने बात क्या की, इसने कहा क्रिमिनोलॉजी को एज क्या पढ़ाया जाए, एज अ सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। और इसने कहा कि स्टडी ऑफ क्राइम इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। इसने क्रिमिनोलॉजी का वर्ड नहीं दिया, इसने सिर्फ क्या कहा कि क्रिमिनोलॉजी शुड बी स्टडीड एज अ सेपरेट साइंस। फिर इसने जब 1879 में यह कहा कि इट शुड बी टॉट एज अ सेपरेट साइंस और स्टडीड एज अ सेपरेट साइंस, तो फिर एक इटालियन सोशियोलॉजिस्ट था, नाम था रफेल ग्रिफेलो। नाम क्या था? रफेल ग्रिफेलो। 1885
1885 जिस साल कांग्रेस बनी, याद करने के लिए, ठीक है, 1885 में रफेल ग्रिफेलो ने टर्म क्वाइन की क्रिमिनोलॉजी, ही क्वाइंड द टर्म क्रिमिनोलॉजी, कब किया उसने, 1885 में। बंदे का नाम क्या था, रफेल ग्रिफेलो, ही वॉज एन इटालियन सोशियोलॉजिस्ट, राइट। मैं सोशियोल, इसलिए आपने फोकस रखना है, शुरू शुरू के जो बाबे हैं ना क्रिमिनोलॉजी के, वो असल में सारे सोशियोलॉजिस्ट ही थे, क्योंकि हां वो सोशियोलॉजी के अंदर क्रिमिनोलॉजी को पढ़ा करते थे, मतलब एक सोशियोलॉजी के अंदर एक सब डोमेन होती थी क्रिमिनल साइंस की, मतलब क्रिमिनल स्टडीज, सॉरी साइंस नहीं, क्रिमिनल स्टडीज, मतलब सोशियोलॉजी के अंदर एक सब डोमेन होती थी क्रिमिनल स्टडीज, उसका जो प्रोफेसर होता था उसको क्रिमिनल सोशियोलॉजिस्ट कहा जाता था, बात समझ आ रही। इसलिए शुरू शुरू के जितने प्रोफेसर हैं क्रिमिनोलॉजी के, ये सारे के सारे अपने आप को सोशियोलॉजिस्ट ही कहते थे। जब से फिर ये सोशियोलॉजी क्रिमिनोलॉजी का वर्ड शुरू हुआ 1885 से, तो फिर सारे लोगों ने अपने आप को क्या कहना शुरू कर दिया, क्रिमिनोलॉजिस्ट, समझ आ रही। तो क्रिमिनोलॉजिस्ट का वर्ड कब से शुरू हुआ है, 1885 से, जब से रफेल ग्रिफेलो जो है वो आया मार्केट में, समझ आ रही है जी। तो ये सारी के सारी आइडियाज जो है ना आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, ये एक इसको आप बैकग्राउंड समझ लें या जो भी हिसाब किताब। पाकिस्तान के अंदर क्रिमिनोलॉजी के सब्जेक्ट को लेकर आने वाला, राइट, वो था डॉक्टर श्वेब सडल, डॉक्टर श्वेब सडल, फॉर्मर आईजी पुलिस सिंध रहे हैं डॉक्टर श्वेब सडल। डॉक्टर इनके नाम के साथ इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये ना व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर पीएचडी थे, ही वॉज अ पीएचडी इन व्हाइट कॉलर क्राइम, इन्हें कहा जाता है डॉक्टर श्वेब सडल, समझ आ रही है। ही वॉज अ पीएचडी इन, बल्कि वॉज क्या, इज अ पीएचडी इन व्हाइट कॉलर क्राइम, समझ आ रही। तो इन्होंने पीएचडी की व्हाइट कॉलर क्राइम से, क्राइम में। ये फिर लेकर आए पाकिस्तान के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी या सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, और आज पाकिस्तान की बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर क्रिमिनोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, राइट। पंजाब यूनिवर्सिटी है, मिनहाज यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो है, सिंध यूनिवर्सिटी है आपके, सॉरी सरगुजा यूनिवर्सिटी है, ताजा यूनिवर्सिटी, जहां पर आपके पास आज जो है वो क्रिमिनोलॉजी को एज अ प्रॉपर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसमें बैचलर्स भी हो रहा है, इसके अंदर मास्टर्स भी हो रहा है, हर यूनिवर्सिटी जो है इसके अंदर जो है ना, जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की, वहां पर इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है। तो वो पढ़ाने, मतलब जो लेकर आने वाला है इस सब्जेक्ट को पाकिस्तान के अंदर, हुई ही बॉस डॉक्टर श्वेब सडल, समझ आ गई बात। तो ये चीजें हमारे पास एग्जिस्ट करती है। इस बार पास पेपर में सवाल आया था इसके अंदर ना, बड़ा मजे का सवाल था, आपने ना ये अपने पास रखना है, ये पास पेपर्स, ठीक है। इसका फायदा पता क्या होगा, हम जो भी सवाल पढ़ेंगे ना उसको हम पास पेपर्स में ना उसका एनालिसिस करेंगे कि पास में इसका सवाल कैसे आया है, ताकि हमारे पास चीजें आती जाएंगी इसके अंदर। तो इसके अंदर ना एक सवाल उसने पूछा था, डिफाइन क्रिमिनोलॉजी, डिस्कस द स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर क्रिमिनोलॉजी का स्कोप क्या है, ये 2018 में सवाल आया इसका, ठीक है जी। तो ये सवाल, क्रिमिनोलॉजी का क्या स्कोप है पाकिस्तान के अंदर, तो ये इसके अंदर जो है वो हम पढ़ेंगे। बल्कि 2017 में भी सवाल आया, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन पाकिस्तान, ऑल्सो डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। हिस्टोरिकल कैसे डेवलप हुआ, इसी तरह की कहानी लिखनी है आपने। शुरू के अंदर सोशियोलॉजी का पार्ट हुआ करता था, उसके बाद जो ना फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट था पॉल टॉपनॉर्ड, उसने कहा कि नहीं सरकार इसको सोशियोलॉजी में ना पढ़े, ये प्रॉपर साइंस है, ये क्यों इंसान क्राइम करता है इसकी प्रॉपर साइंस होनी चाहिए, होती है, इन्वेस्टिगेशन कैसी होती है, राइट कैसी होनी चाहिए, इंटरोगेशन प्रॉपर एक साइंस है, इसको एक एज अ साइंटिफिक डोमेन सेपरेट पढ़ना चाहिए। नाम नहीं बनाया उसने, नाम किसने फिर बनाया, रफेल ग्रिफेलो ने 1885 के अंदर, तब से दुनिया के अंदर क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया। ये इसका एक बैकग्राउंड हिस्ट्री है। पाकिस्तान के अंदर कहां से आया, श्वेब सडल लेकर आए इसको, कब, 1995 में, तारीख भी लिखना चाहे तो लिख लें 1995, राइट। तो वहां से जनाब पाकिस्तान के अंदर फिर कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया किसका, ये आपके पास जो है वो क्रिमिनोलॉजी का। क्लियर होगी बात, आइडिया क्लियर हो गया। अब आ जाए जरा डेफिनेशन के ऊपर, जरा डेफिनेशन लिखते हैं इसकी ताकि चीजें क्लियर हो जरा।
बैकग्राउंड समझ आ गया थोड़ा सा, यस आईडिया क्लियर हुआ। आए जी डेफिनेशन पे, एक दो तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखें अच्छा, एक और बात है, क्रिमिनोलॉजी है ना शुरू शुरू के अंदर कोई इतनी मशहूर नहीं हुई, ये ज्यादा ज्यादा लोगों ने इस पे इंटरेस्ट लेना, मतलब लेना शुरू नहीं किया इसके अंदर। असल इंटरेस्ट लोगों ने तब लेना शुरू किया जब एक सोशियोलॉजिस्ट था, उसका नाम था एडविन सदरलैंड। एडविन सदरलैंड ने ना व्हाइट कॉलर क्राइम को डिफाइन किया ना, जब जब उसने कहा कि यार हर गरीब बंदा नहीं क्राइम करता, अमीर बंदे भी क्राइम करते हैं। अच्छा अमीर बंदे भी क्राइम करते हैं, अमीर कैसे क्राइम करते हैं? ये भी पूरी साइंस है। तब उन लोगों को बताया कि हाँ यार बात तो बिल्कुल ठीक है, ये तो पूरी साइंस है। एडविन सदरलैंड वॉज द पर्सन जिसने बेसिकली क्या किया, क्रिमिनोलॉजी को मशहूर करवाया पूरी दुनिया के अंदर, राइट? तो क्रिमिनोलॉजी पूरी दुनिया में मशहूर हुई एज अ सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ एडविन सदरलैंड। एडविन सदरलैंड, राइट? ये ही वॉज अ सोशियोलॉजिस्ट, ही वॉज अ सोशियोलॉजिस्ट हु डिफाइंड व्हाइट कॉलर क्राइम। इसलिए पर हम लोग डेफिनेशन भी एडविन सदरलैंड की लिखते हैं ताकि जरा ऑथेंटिक ज्यादा हो जाए। सर एमपीटी के रिलेटेड बता दें सेशन के एंड पे, एमपीटी तो हो गया भाई, अब और क्या बताऊं उसके अंदर। अच्छा हुआ एमपीटी, वेरी गुड। मैं उसके एमपीटी तो हो गया, अब एमपीटी कौन सा दोबारा कौन सा होना है? ठीक है अगले साल होगा। ठीक है जी आप अगले साल जो है वो आप अल्लाह खैर करे जरूर उसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिएगा। अच्छा जी आइए जी, एडविन सदरलैंड लिखें डेफिनेशन इसकी। आ गया पास हो गए सारे के सारे, हम तुम नहीं हुए तो वेबसाइट को छोड़ दो, तुम्हारे वैसे नंबर कितने हैं? तो फिर तो और तुमने क्या करना है, ऊपर के 5 नंबर किसी को बांट दो। ओ, कोई बात नहीं यार, 66 वाला भी उसी जगह पर है, 199 वाला भी उसी जगह पे। तुम्हारे साथ अयाज और अयाज के साथ महमूद एक ही लाइन में खड़े हो गए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। कोई बात, कोई 105 आ गए, खत्म हो गए यार, 104 हो जाएंगे यार। परेशान क्यों हो रहे ऐसे परेशान? हाँ अगर काउंट होते होते ना मेन पेपर के अंदर फिर परेशान होता है। 66 वाला पास हो बट ठीक है यार, क्या हो, परेशान ना हो यार, इजी हो जाए, रिलैक्स कर। आए जी अपना क्या बात हो रही थी, हाँ हाँ एडविन सदरलैंड की डेफिनेशन हम लिखें जी। अकॉर्डिंग टू एडविन सदरलैंड, क्रिमिनोलॉजी इज द साइंस एंड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्रिमिनोलॉजी इज द साइंस एंड बॉडी ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग क्राइम, रिगार्डिंग क्राइम एज अ सोशल फिनोमिना। रिगार्डिंग रिगार्डिंग क्राइम एज अ सोशल फिनोमिना, फुल स्टॉप। इट ऑल्सो डील्स विथ द स्कोप, इट ऑल्सो डील्स विथ द स्कोप एंड प्रोसेस, ऑल्सो डील्स विथ स्कोप एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज, ब्रेकिंग लॉज। दो बातें लिखी आपने, मेकिंग लॉज, ब्रेकिंग लॉज एंड रिएक्टिंग टुवर्ड्स ब्रेकिंग ऑफ लॉज। मेकिंग लॉज, ब्रेकिंग लॉज एंड रिएक्टिंग टुवर्ड्स ब्रेकिंग ऑफ लॉज, समझ आ रही है? तो वो कहता है कि क्रिमिनोलॉजी एक पूरी का पूरा प्रोसेस है जिसके तहत मेकिंग ऑफ लॉज, ब्रेकिंग ऑफ लॉज एंड रिएक्टिंग टुवर्ड्स ब्रेकिंग ऑफ लॉज। यानी क्रिमिनोलॉजी में सिर्फ ये नहीं कि क्राइम क्यों होता है, क्राइम क्यों होता है वो भी, इसके क्राइम को कंट्रोल करने के लिए लॉ कैसे बनेगा, लॉ ब्रेक क्यों होता है, और लोगों का जो रिएक्शन है लॉ ब्रेक होने के ऊपर वो भी पूरी की पूरी क्या है, स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी। समझ आ गई बात? तो ये आइडिया हमारे पास जो अल्टीमेटली एग्जिस्ट करता है सारे का सारा, मतलब मेकिंग ऑफ लॉज, ब्रेकिंग ऑफ लॉज एंड रिएक्शन टुवर्ड ब्रेकिंग ऑफ लॉज। एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं, ये रिएक्शन टुवर्ड ब्रेकिंग ऑफ लॉज का मतलब बताता हूं आपको मैं क्या। इमेजिन इमेजिन ना करें, बल्कि पाकिस्तान के अंदर आपने वाकई ये चीज ऑब्जर्व की होगी।
आप ना अपने इर्द गिर्द अब ये महसूस करते होंगे, या अगर आपने नहीं किया तो अब आप जरूर करेंगे, खुदा ना खास्ता अगर आप हमारे मुल्क के अंदर ना कहीं कोई धमाका हो जाए और उसके अंदर कोई दो तीन अफराद शहीद हो जाएं, अल्लाह के पास पहुंच जाए, इस कौम को ना अब उसकी टेंशन नहीं होती, क्योंकि ना अब आप यूज टू हो गए। आप कहते हैं यार शुक्र है दो तीन ही मरे, ज्यादा नहीं मरे, क्योंकि आप ना डिसेंसिटाइज हो गए हैं। अब आपका रिएक्शन टुवर्ड्स ब्रेकिंग ऑफ लॉज जो है ना वो उतना नेगेटिव नहीं है जितना शायद शुरू शुरू में हुआ करता। यूएस हिस्ट्री अगर आप में से किसी ने रखी है ना, या अगर आप में से ऑनलाइन किसी ने पढ़ी, वहां पे ना एक बॉस्टन मैसेकर हुआ था अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर, 4 से 5 लोग मर गए थे उसके अंदर। नाम क्या है? बॉस्टन मैसेकर। बंदे कितने मरे? 4 से 5। जब नाम लिखते ना मैसेकर, हमें लगता पता नहीं कोई 50-60 बंदा मर गया होगा, बंदे मरे 4 से 5। नाम है बॉस्टन मैसेकर, इतने तो मरे आए, ट्रैफिक नीचे आके मर जाते बेचारे। प्रॉब्लम पता क्या है? रिएक्शन ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ लॉज जो है ना हमारी सोसाइटी का, वो अब क्या होता जा रहा है? खत्म होता जा रहा है। ये भी स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी है कि लोग क्राइम क्यों कर रहे हैं, नंबर टू वो लॉ क्यों ब्रेक करते हैं, नंबर थ्री लॉ कैसा लॉ होना चाहिए कि हम क्राइम को रोकें, नंबर चार लोगों का जो रिएक्शन है ना ब्रेकिंग टूवर्ड लॉज के ऊपर वो क्या है? वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, वो ठीक है, वो एक्सेसिव है, राइट, वो सबमर्सिव है, क्या है? ये भी सारे का सारा आइडिया जो है ना वो आपके पास क्रिस में डिस्कस होता है क्रिमिनोलॉजी के अंदर। ये रिएक्शन लॉ है सोसाइटी क्रिमिनल सोसाइटी का रिएक्शन, लॉ का रिएक्शन कैसे आएगा? जस्टिस सिस्टम है हाँ? सोशल सर्विस रिलेटेड लॉ को ब्रेक द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज रन बाय द पीपल ना, इज रन बाय द पीपल। बात समझ आती है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वो तो करना ही करना है, मतलब लॉ ने तो इसके ऊपर करना ही करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता क्या है इसमें? जब वो कहते हैं ना रिएक्टिंग टुवर्ड्स द ब्रेकिंग ऑफ लॉज, उसमें ये वो बात करता है कि इसमें लोगों का रिएक्शन भी क्या होगा इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी तो रन किसने करना है? लोगों ने करना है। अब उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करता हूँ, लॉ में तो लिखा हुआ है कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है अगर आपने कोई क्राइम किया, गिरफ्तार हो गए, ठीक हो गया, ना करें आप, लॉ तो लिखा हुआ है। अब ऐसे सिनेरियो के अंदर जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कशन में आ जाती है, अच्छा यार अगर 24 घंटों के अंदर ना हो मजिस्ट्रेट के सामने तो फिर क्या होता है? ये बड़े सियाने पुलिस वाले, ये बंदे को रिहा करके फिर पकड़ लेते, 24 घंटे में अगर मजिस्ट्रेट ना ना अवेलेबल हो बंदे को छोड़ देते, छोड़ने के बाद फिर पकड़ लेते हैं उसे दोबारा ही अगली दफा, फिर 24 घंटे चल शुरू हो जाते हैं इनके। तो बड़े सियाने नहीं यार, हमारी कौम भी तो आपको पता ना ये इस मामले के अंदर बड़ी तेज, सर 24 घंटे नहीं रखा उसको हमने, छोड़ दिया था 23 घंटों के बाद, 2 घंटे बाद फिर पकड़ लिया उसको, ठीक है जनाब, फिर 24 घंटे शुरू हो गए, समझ आ गया? तो ये सिचुएशन हमारे पास आती। तो आपकी बात सही है, रिएक्टिंग रिएक्शन ऑफ द लॉ भी है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द पीपल भी, समझ आ गया? दोनों चीजें इसके अंदर आती हैं। अब आइए हेडिंग आगे चलते हैं। आप इसमें आप लिख लें, आप हेडिंग बना लें स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, क्योंकि ये सवाल आया हुआ है पास पेपर के अंदर, स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, राइट, क्या क्या स्कोप है इसका, कौन कौन सी डिविजन्स हैं इसके अंदर क्रिमिनोलॉजी के अंदर, उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा दो लाइनें जरा शुरू की लिख लें, ताकि हमारा ना वो जिसे कहते हैं ना आपके पास ट्रांजिशन हो जाए हेडिंग्स तक। आगे लिखें, इवन दो क्रिमिनोलॉजी इज अ वास्ट सब्जेक्ट, इवन दो क्रिमिनोलॉजी इज अ वास्ट सब्जेक्ट, बट देर आर सर्टन डायमेंशंस विद इन विच क्रिमिनोलॉजी, विद इन विच क्रिमिनोलॉजी कैन बी अप्लाइड, विद इन विच क्रिमिनोलॉजी कैन बी अप्लाइड ऑल अक्रॉस द बोर्ड, क्रिमिनोलॉजी कैन बी अप्लाइड ऑल अक्रॉस द बोर्ड। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें ऑल अक्रॉस द बोर्ड क्रिमिनोलॉजी अप्लाई हो सकती है? नंबर वन से कहते हैं क्रिमिनल सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी में सबसे पहले आएगा
क्रिमिनल सोशियोलॉजी, क्रिमिनल सोशियोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी में हाउ द सोसाइटी इज अफेक्टेड बाय द क्राइम और हाउ सोसाइटी अफेक्ट्स द क्राइम। मतलब सोसाइटी क्राइम को अफेक्ट कैसे करती है या क्राइम से अफेक्ट कैसे होती है, इस स्टडी को क्या कहते हैं? क्रिमिनल सोशियोलॉजी। नोट कर ले, इट डील्स विथ हाउ सोसाइटी अफेक्ट्स द क्राइम, इट डील्स विथ हाउ सोसाइटी अफेक्ट्स द क्राइम और हाउ इट गेट्स अफेक्टेड बाय द क्राइम। हाउ इट गेट्स अफेक्टेड बाय द क्राइम, पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा है स्कोप में पिनोलॉजी, पिनोलॉजी, पिनोलॉजी पता है क्या होता है? एनीवन, एनी आइडिया? पिनोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रिजन एंड प्रिजन सिस्टम। पिनोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ प्रिजन एंड प्रिजन सिस्टम। इट इज द स्टडी ऑफ प्रिजन एंड प्रिजन सिस्टम। बात समझ आती? इस पिनोलॉजी के अंदर ना आप जो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक्स जिसकी वजह से आप ये अज्यूम करते हैं या सोचते हैं कि एक बंदा दोबारा क्राइम ना करे। देखे ना, फोकस रखे मेरी बात पे। अगर आपने एक बंदे को जेल में डाल दिया है, जेल में डालने का मकसद क्या है उस बंदे का? कि वो सीखे सिस्टम से, उसको सजा मिले और वो बाहर निकल के दोबारा क्राइम ना करे। वो जो टेक्निक्स आप यूज करते हैं विद इन द प्रिजन सिस्टम जिसकी वजह से इंडिविजुअल बाहर निकलकर क्राइम नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? रेसिडिविज्म। व्हाट इज इट कॉल्ड? रेसिडिविज्म। बल्कि ये पास पेपर में सवाल भी आया है, ये देखिए, ये कहां है सवाल? हाँ जी, 2019 का सवाल है। हाउ फार रेसिडिविज्म हैज बीन लिमिटेड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रिजन, एक्सप्लेन सम ऑफ द मॉडर्न स्ट्रेटजीज यूज्ड इन प्रिजन फॉर द रेस्टोरेशन एंड रीइंटीग्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स। रेस्टोरेशन ऑफ क्रिमिनल्स कैसे की जाती है या रीइंटीग्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स कैसे की जाती है, क्या क्या टेक्निक्स यूज की जाती हैं प्रिजन के अंदर, उसको कहते हैं रेसिडिविज्म। क्या कहते हैं? रेसिडिविज्म। लिख लें, रेसिडिविज्म। समझ आ गई? क्वेश्चन समझ आ गया पास पेपर का? तो इसमें आया सवाल पूछा उसने, रेसिडिविज्म। तो रेसिडिविज्म वो टेक्निक्स हैं दैट आर यूज्ड विद इन द प्रिजन सिस्टम या विद इन द प्रिजन्स टू स्टॉप द इंडिविजुअल फ्रॉम कमिटिंग द क्राइम आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ द प्रिजन, उसे क्या कहते हैं? रेसिडिविज्म। पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, इसको सेपरेटली पढ़ेंगे। स्कोप नंबर सॉरी स्कोप का पॉइंट नंबर 3, विक्टमोलॉजी, विक्टमोलॉजी, विक्टमोलॉजी। क्या समझ आती है विक्टमोलॉजी का लफ्ज पढ़ के? समझ आती है क्या? व्हाट कम्स टू माई विक्टमोलॉजी? सारी बात, बात तो आपकी सही, विक्टम को समझ आती है। विक्टम, विक्टमोलॉजी पता क्या है? फोकस रखें जरा, विक्टमोलॉजी होती है कि आप ना जो विक्टम है ना उसको देखकर, या अगर वो फौत हो गया तो उसकी बॉडी को देखकर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो बंदा है जिसने क्राइम किया है ना, ये बंदा किस नियत से आया था, या ये बंदा वाकई क्राइम करना चाहता था या नहीं क्राइम करना चाहता था। एग्जाम्पल समझाता हूं, एक डेड बॉडी आ गई है, आप क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, आपको पुलिस वालों ने बुला लिया कि आओ भाई जान आगे बॉडी आइडेंटिफाई कर लो। आप आईयू हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, आपने बॉडी देखी है, तो बॉडी के अंदर जो है ना, वो बॉडी के ऊपर एक आपको रियलाइज हुआ कि यार एक खंजर का निशान है, राइट, जो उसके सीने पर लगा हुआ है। डेड बॉडी है, आप देख रहे हैं उसको, आपने ऑब्जर्व किया डेड बॉडी को, ठीक हो गया जनाब। एक और डेड बॉडी देखी है आपने जिसकी बॉडी के ऊपर ना कुछ 15-20 खंजरों के वार हुए,
स्टडी ऑफ विक्टिमोलॉजी पता क्या बताती है? वो बताती है कि ये जो डेड बॉडी है ना, इट इज अ हेट क्राइम। जिस बंदे ने इसको मारा है ना, वो बंदा इस शख्स से शदीद नफरत करता। मेरी इन्वेस्टिगेशन जो है ना, वो उन लोगों के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाएगी जो कि इसके कांटेक्ट में थे। फोकस समझ आ रहा है? यानी आइडेंटिफाई करते हैं आप विक्टिम की बॉडी को देखकर कि यार ये जो क्राइम हुआ है किस नौत का हुआ है, ये जो क्राइम है ये नॉर्मल क्राइम नहीं है। 40 गोलियां चला दी यार इस बंदे के ऊपर उन्होंने, इसका मतलब है कि ये कौन सा क्राइम है? हेट क्राइम। आप पूरी प्रोफाइलिंग करते हैं फिर उसकी, यार ये वाला हिसाब किताब है। आइडेंटिफाई करने के बाद होता है कि अच्छा भाई फॉर एग्जाम्पल गोली का निशान जो है ना वो नजर आ रहा है, गोली का निशान जो है ना वो इधर गोली का निशान लगा हुआ, लेकिन गोली का निशान आइडेंटिफाई मुझे ये कर रहा है, समझा रहा है मुझे, मैंने फोरेंसिक्स वालों से भी आइडेंटिफाई किया है, गोली का निशान मुझे ये बता रहा है कि गोली की डायरेक्शन जो है ना वो ये है, गोली इधर लगी है और इधर से निकल गई है। इसका मतलब है कि जिस इंडिविजुअल ने इस पे गोली चलाई है उस टाइम नीचे था और ये ऊपर था। आप विक्टिम को आइडेंटिफाई करके उसकी बॉडी को फिर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स को घुमाते फिराते हैं, उसको क्या कहते हैं? विक्टिमोलॉजी। समझ आ गई बात? नोट करें, इट इज द स्टडी ऑफ द विक्टिम, इट इज द स्टडी ऑफ द विक्टिम बिकॉज द डिजीज्ड बॉडी, डिजीज्ड बॉडी हेल्प्स द आईओ, आईओ मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, हेल्प्स द आईओ, हेल्प्स द आईओ टू आइडेंटिफाई हु द पॉसिबल क्रिमिनल मे बी, हु द पॉसिबल क्रिमिनल मे बी। समझ आ गया बात? कितने पॉइंट हो गए? 3-4 पे आ गए। क्रिमिनल साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी ये कहती है इट इज द स्टडी दैट व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द क्रिमिनल व्हेन ही कमिटेड द क्राइम। क्रिमिनल के माइंड में ऐसा क्या चल रहा था कि उसने वो क्राइम किया? अच्छा फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को मारना गलत बात है यार, ये सब बंदों को पता है, लेकिन इस बंदे ने इसको फिर भी मारा है, इसका मतलब है कि इसके माइंड में कुछ ऐसी चीज चल रही थी जो हम आम नॉर्मल इंडिविजुअल्स के माइंड में नहीं चल रही उस टाइम। मेरी बात को समझे ना आप, इमेजिन करें फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि अच्छा यार सर्टन कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे कुत्ते का गोश्त भी खाया जाता है, ठीक है, साउथ कोरिया ने पाबंदी लगा दी कि 2027 के बाद कुत्ते का गोश्त नहीं मिलेगा जी, 2027 तक अगर किसी ने को जनाब कोई बारबेक्यू करना है तो कर लो। समझ आ गई बात? अब आपने सारे इंसान कुत्ते गोश्त कैसे खा सकता है? क्योंकि सरकार आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो उस इंडिविजुअल के माइंड में भी चल रहे हो जो वो गोश्त कंज्यूम कर रहा है। तो क्रिमिनल साइकोलॉजी ये है कि अच्छा यार इट्स अ वेरी नॉर्मल एक्ट यार, ये काम हमने नहीं करना, लेकिन देयर वाज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द क्रिमिनल दैट बेसिकली डिड नॉट स्टॉप हिम। कुछ तो था ना यार ऐसा जो कि उसने उसको स्टॉप नहीं किया, वो क्या था ऐसा जिसकी वजह से उस बंदे ने क्या किया? क्राइम किया। उसको क्या कहते हैं? क्रिमिनल साइकोलॉजी। नोट कीजिए, इट इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द क्रिमिनल, इट इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द क्रिमिनल। Which did not stop the criminal from committing an act, which did not stop the criminal from committing an act. अगला है जी डोमेन criminalistics, criminal फिर आगे लिखते हैं istics, istics, criminalistics।
इट इज द स्टडी ऑफ क्राइम, इट इज द स्टडी ऑफ क्राइम डिटेक्शन, इट इज द स्टडी ऑफ क्राइम डिटेक्शन थ्रू फोरेंसिक साइंस, इट इज द स्टडी ऑफ क्राइम डिटेक्शन थ्रू फोरेंसिक साइंस, इसे क्या कहते हैं, क्रिमिनलिस्टिक्स। अगला जी, फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी, फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ क्राइम एंड विमेन, इट इज द स्टडी ऑफ क्राइम एंड विमेन। व्हाई विमेन कमिट क्राइम एंड व्हाई दे आर ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ द क्राइम, व्हाई दे कमिट क्राइम एंड व्हाई दे आर ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ द क्राइम। कितने पॉइंट्स हो गए, सिक्स सेवेंथ पे आ गए, और आखिरी पॉइंट है क्रिमिनल डिमोग्राफी, क्रिमिनल डिमोग्राफी, क्रिमिनल डिमोग्राफी। बंदे ने क्राइम कर लिया, क्राइम करने के बाद ये देखना कि यार ये किस तरह की डिमोग्राफी में रहता था, किस तरह के लोगों में उठता बैठता था, किस तरह के लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन था, समझ आ रही बात, किस तरह की सोसाइटी में रहता था, किस तरह के लोगों के साथ उठता बैठता था, किस तरह के दोस्त थे इसके, उस सब को क्या कहते हैं, क्रिमिनल डिमोग्राफी, किस तरह की डिमोग्राफी में रहता था वो। लेकिन इट इज अ स्टडी ऑफ द टाइप ऑफ पीपल, इट इज अ स्टडी ऑफ टाइप ऑफ पीपल द क्रिमिनल वॉज लिविंग विद, study of the type of people the criminal was living with, because the people always have an impact on our behavior, because people always have an impact on our behavior। समझ आ गई बात जी। तो ये हमारे पास कुछ है स्कोप का कॉन्सेप्ट, स्कोप जो है क्रिमिनोलॉजी का जो है वो क्या है, क्या सारा हिसाब किताब है। तो यहां पर हम आज का अपना जो है वो लेक्चर जो है इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करते हैं, बाकी हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें वो सवाल उसने पूछे हमें डेफिनेशन क्या है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, स्कोप तो हमें समझ आ गया, ये क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल लॉ में क्या फर्क है, जो है वो डिवियंस क्या होता है, सिन क्या होता है, वाइस क्या होता है, फिर उसने आगे लिखे हमें क्रिमिनल्स के ना डिफरेंट टाइप्स, ओकेजनल क्रिमिनल्स कौन से होते हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल्स, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स, कॉर्पोरेट क्रिमिनल्स, ये सारे के सारे इंशाल्लाह फिर हम जो है इसी तरह, ये भी सारा कुछ पाकिस्तान के रेफरेंस ही बताया आपको मैंने, ये सब कुछ उसमें, वो मैं दूंगा ना आपको, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि हाउ क्रिमिनोलॉजी इज इमर्जिंग एज अ साइंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अगर आप क्रिमिनोलॉजी के अंदर डिग्री करते हो तो क्या फायदा उसका, क्या क्या जॉब्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो क्योंकि वो अब सवाल पूछा ना उसने, हाउ इट इज डेवलपिंग इन पाकिस्तान, तो उसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसको क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर होगी बात जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट क्लास हमारी जो है वो आप लोगों को जो है वो लोग जो एनरोल करेंगे सेशन के अंदर उनको लोग हम ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिन्होंने ऑलरेडी इनरोल किया हुआ उनको तो हमने ग्रुप में ऑलरेडी ऐड किया हुआ, तो आप लोगों को ना उसका मिल जाएगा, टाइम टेबल मिल जाएगा, राइट। हफ्ते के अंदर आप ये समझ लें कि हफ्ते के अंदर आपकी तीन क्लासेस तो होंगी, राइट, ताकि हम इसको ना फटाफट करके जो है ना इसको मुकाएं, फर्स्ट तक इंशाल्लाह हमने इसको मुका लेना है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला जो है वो खैर करे, आप लोग साथ चलते रहें तो चीजें जो है ना वो जल्दी जल्दी जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट होती जाएंगी। समझ आ रही है जी, क्रिमिनल सोशियोलॉजी की डेफिनेशन है कि हाउ द सोसाइटी अफेक्ट्स द क्राइम एंड हाउ द सोसाइटी गेट्स अफेक्टेड फ्रॉम द क्राइम, ये है क्रिमिनल सोशियोलॉजी। क्लियर हो गया बात जी, चले जी, जो है वो
बाकी जो है आप लोग को जो ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे उनको हम गूगल क्लासरूम में ऐड कर देंगे। आप लोग जो फिजिकल क्लास में आना चाहें आप लोग भी गूगल क्लासरूम ऐड जरूर मत में ऐड जरूर हो जाइएगा, तो आप लोग ऐड हम कर भी देंगे उसके अंदर। अगर आप लोगों ने फिजिकल मुझे कोई असाइनमेंट जमा करवानी फिजिकल करवा दें, अगर आप लोगों ने मुझे ऑनलाइन कोई असाइनमेंट जमा करानी ऑनलाइन जमा करवा दें, लेकिन फिजिकल क्लास में जमा कराएं तो ज्यादा डिस्कशन बेहतर उसके अंदर अल्टीमेटली जो आपके पास जो है वो हो जाएगी सारी की सारी। क्लियर हो गया बाजी? चले जी, मुलाकात करते हैं जी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, सलाम अलैकुम।